तो आज आपके लिए बहुत बेहतरीन गिफ्ट लेके आया हूँ, और भी ये गिफ्ट आपको कंप्लीट थोड़ा सा बड़ा होगा डेफिनेटली। इसमें कंप्लीट एक प्रोजेक्ट को कैसे करना है, जिसको हम लोग दो पार्ट में करने वाले हैं। एक पार्ट में आपको लगभग जनरल मॉडलिंग मिल जाएगी, दूसरे पार्ट में डिटेल मॉडलिंग मिल जाएगी। स्कैन टू बीम पर कैसे काम करना है, एक लाइव प्रोजेक्ट वो भी अमेरिकन स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट पर कैसे वर्क करना है, उसकी ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के सेशन में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि स्कैन टू बीम का प्रोसेस क्या होता है, स्कैन टू बीम इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं, स्कैन टू बीम में हमारे AEC इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, देन हम फॉरवर्ड होंगे कि इस स्कैन टू बीम प्रोसेस को हम बीम मॉडल में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे थ्रू रिकैप सॉफ्टवेयर एंड रिबिट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्कैन टू बीम से। तो स्कैन टू बीम बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम किसी 3D स्कैन को लेके उससे हम बीम मॉडल क्रिएट करते हैं। ओके, देन हम देखेंगे कि स्कैन टू बीम में स्कोप क्या होता है, लाइक स्कैन टू बीम से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं उससे। फर्स्ट फर्स्ट जो चीज आता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। वहां पे क्या होता है कि हम उससे स्कैन टू बीम के आउटकम में हमें क्या मिलता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर प्लान, एलिवेशन, 3D मॉडल, ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं इन द स्कैन टू बीम प्रोसेस। फिर आता है कंडीशन असेसमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी एक बिल्डिंग का, आज के टाइम पे अगर किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन फेस अगर जहाँ पे है, सपोज वो अगर हाफ आके स्टॉप हो चुका है, या तो वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, एग्जिस्टिंग इन द सेंस कि वो बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे अभी लोग रहते हैं या काम हो रहा है उस बिल्डिंग का, या कोई बिल्डिंग अगर डेमोलिश हो चुका है या उसको तोड़ना इम्पोर्टेंट है या टूट गया किसी रीजन की वजह से, उस चीज को हम स्कैन करके उसका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं कि हाँ अभी इस बिल्डिंग का कंडीशन क्या है, तो हम उससे कंडीशन असेसमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि डिजाइन इंटीग्रेशन। सपोज हमारे पास कोई एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है, हमारे पास प्रॉपर उसका डिजाइन है जिसका अभी कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग प्रोसेस पर चल रहा है, हम अगर उसके अंदर जो स्कैन डेटा है वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2D ड्राइंग या जो शीट ड्राइंग होते हैं या शॉप ड्राइंग जिसे बोलते हैं वो सब हमारे पास है, उसके साथ ही हमारे पास उस बिल्डिंग का एक प्रॉपर 3D ड्राइंग है, तो हमें वो चीज विजुअलाइज करने में भी आसानी होता है और एग्जिस्टिंग कंडीशन हो या न्यू कंस्ट्रक्शन फेस हो हम उसको इजीली कोप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि जो हम स्कैन डेटा ऑब्टेन करते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो हम स्कैन डेटा किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एक बिल्डिंग का लेते हैं तो वो हम मेनली जो लेजर स्कैनिंग से ही अभी के टाइम पे हमारी इंडस्ट्री में किया जाता है। लेजर स्कैनिंग इन द सेंस कि जैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो एक मिनिएचर, मतलब स्मॉल हैंड क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड जो एक डिवाइस हो गया, इसके भी बहुत बड़े बड़े एक स्कैनर आते हैं जिनसे हम किसी ऑब्जेक्ट हो गया बिल्डिंग का हम स्कैन निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड आ गया अपना फोटोग्रामेट्री। तो वहां पे क्या होता है कि हम मल्टीपल फोटोज को साथ में स्टिच करके उससे एक स्कैन फाइल क्रिएट करते हैं। लाइक टू बी प्रिसाइज कि अगर सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कुछ एक चेयर या टेबल का ऑब्जेक्ट है, हम उस ऑब्जेक्ट का डिफरेंट एंगल से हम फोटो खींचेंगे, मल्टीपल फोटोज लाइक 100 फोटोज, 200 फोटोज, बहुत सारे फोटो क्लिक करेंगे, लास्ट में आके उन सब फोटो को साथ में स्टिच करके उसे हम एक स्कैन क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली ओवरलैप करके फोटोज को। लास्ट आता है मोबाइल मैपिंग, मतलब कि लाइक जो इस टाइप के हैंड हेल्ड डिवाइस होते हैं वहां से हम स्कैन करके उससे भी हम स्कैन डेटा निकाल सकते हैं। तो वो यूजुअली जहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होता है, स्पेसिफिक कोई एक ऑब्जेक्ट को स्कैन करने के लिए यूज करते हैं वहां पे यूज होता है। तो हमारे फील्ड में बेसिकली लेजर स्कैनिंग ही ज्यादा यूज होता है। इम्पोर्टेंस क्या है स्कैन टू बीम का इंडस्ट्री में, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी, कि अगर सपोज हमें कोई एस बिल्ड मॉडल क्रिएट करना होता है, या हमें अगर कोई अगर सपोज हम अगर ऐसा ना सोचे कि हाँ हम अगर किसी बिल्डिंग को डिजाइन कर देंगे तो वो बाद में उसका रिवर्क ज्यादा ना आए, या तो उसका डिजाइन में ज्यादा कोऑर्डिनेशन के टाइम में
ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इन द सेंस कि हमें करने में कोई दिक्कत ना हो, कि सपोज इस फेस में जाके हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उस चीज के लिए हम स्कैन टू बीम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्यूरेसी रेट बहुत हाई रहता है। देन एफिशिएंसी होता है कि अगर सपोज हम स्कैन टू बीम को अगर हम बीम स्ट्रीमलाइन में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, या फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, डिजाइन मैनेजमेंट हो गया, या आपका प्री कंस्ट्रक्शन फेस हो गया, और हर एक चीज में हम उसको इजीली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि हम अगर किसी स्टेक होल्डर के पास जाएंगे कि आपका स्कैन डेटा था, हमने इसे ये मॉडल बनाया है, तो हमें उसको दिखाने में भी आसानी होगा, तो हम एज एन बीम इंजीनियर हमें भी काम करने में आसानी होगा कि हाँ हमें इस चीज का एक मॉडल या एक स्कैन है, हमें दिख रहा है वहां पे क्या है इन 3D परस्पेक्टिव। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजेशन। वहां पे सेम वही है कि अगर हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट अगर होगा जिसका हम प्रॉपर एक 360 व्यू देख सकते, तो हमें मॉडलिंग परस्पेक्टिव हो गया, अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव हो गया, या रिवर्क जो आएगा वो बहुत कम होगा हमारे एस्पेक्ट पे। तो वहां पे हमारा जो विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं एज एन इंजीनियर, वो बहुत ज्यादा हम ज्यादा कर सकते हैं, कि हाँ यहाँ पे वो चीज हमें दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। देन लास्ट में आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज बेसिकली कि अगर सपोज हमें किसी भी एक बिल्डिंग का मेंटेनेंस की जरूरत पड़े, तो हमारे पास अगर उसका स्कैन डेटा अगर प्रॉपर रहेगा, कि हमें पता है कि हाँ उस दीवार के उस कॉर्नर का उस पाइप टूटा हुआ है, तो हम अगर कैड ड्रॉइंग हमारे पास होगा तो हमें ठीक है पता चल जाएगा कि हाँ इस कॉर्नर का, लेकिन उसका एग्जैक्ट शेप क्या है, वो मतलब कितना टेढ़ा है, वो प्रॉपर रियल लाइफ में वो दिखने में कैसा है, उसका कितना, अगर सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए पाइप ले रहा हूँ, तो वो पाइप अगर स्टार्ट से लेके एंड तक जाते जाते स्लांटेड मतलब टेढ़ा हो गया, या वो टूट गया बीच में से, अभी क्या करंट सिचुएशन क्या है उसका, तो वो हम स्कैन से निकाल सकते हैं इजिली। मैं सिर्फ अभी आपको एक पाइप का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर एक चीज में वो इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, देन नेक्स्ट होता है कि इम्प्लीमेंटिंग कैसे होता है, कि मतलब कि वो चीज मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक लाइक प्रोसेस होता है, कि प्लानिंग से लेके कैप्चरिंग का, प्रोसेसिंग का, जब मैं आपको रिकैप सॉफ्टवेयर में लेके जाऊंगा तब तो मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ ऐसे ऐसे उस जो डेटा आता है अपने पास उसे हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस, जो मैंने आपको अभी समझाया था, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, विजुअलाइजेशन, मेंटेनेंस। और देन कुछ ऐसे मतलब कि लाइक डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि कॉस्ट, जैसे कि जो स्कैनर आते हैं और वो स्कैनर के जो प्राइसेस होते हैं बहुत हाई होते हैं। सेकेंडली, जो स्कैन किया जाता है तो उस प्रोसेस में भी आपको अच्छे खासे आपके एक एसेट जाता है आपके उससे, अगर आप सपोज आपका किसी प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको स्कैन कराना जाओगे तो आपको कम से कम अच्छा खासा 70-80 हज़ार का खर्चा हो जाएगा प्रॉपर स्कैन कराने में, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट $1,000 के हिसाब से चार्ज करते हैं, अगर प्रॉपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हो तो। मैं उसको बोल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, कम ही हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंपनी एंड द स्कैनर द यूज, क्योंकि हर एक स्कैनर का जो कैपेबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि स्कैन टू बीम प्रोसेस में अगर आपके पास अगर प्रॉपर स्किल और सॉफ्टवेयर की एक्सपर्टीज ना हो, तो इतने बड़े बड़े स्कैन फाइल जो आते हैं हमारे पास, उन सबको मैनेज करना, उन सबको प्रॉपर अलाइन करना, उन सबका अगर कुछ एरर निकलता है वो सब आइडेंटिफिकेशन में आपको थोड़ा इशू आ सकता है, इफ यू आर नॉट स्किल इनफ टू अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो ऑफ स्कैन टू बीम। फिर लास्ट आ गया अपना डेटा मैनेजमेंट, वही हैंडलिंग अपना जो पॉइंट क्लाउड के जो साइजेस होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज होते हैं, तो उन सबको मैनेज करने का भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। देन ये आपका स्कैन टू बीम के एग्जाम्पल है, तो मैं वो आपको अच्छे से बाद में समझा दूंगा जब हम रियल में किसी प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट करेंगे। अभी वही है आपका अंडरस्टैंडिंग वर्क फ्लो क्या है, प्लानिंग, कैप्चरिंग, प्रोसेसिंग, वो सब अब मैं आपको जब स्टार्ट करूंगा तब तो आपको समझाऊंगा, प्लानिंग कैसे करते हैं, फिर वहां से डेटा कैप्चर कैसे किया जाता है, डेटा प्रोसेस कैसे होता है, फिर उसको बीम मॉडल में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है,
लास्ट में जाके डिलीवरीज, मतलब कि जो हमारे पास आउटकम निकलता है वो सब चीज़ों को हम स्टेक होल्डर को कैसे देते हैं, फॉर्मेट वगैरह कैसे होता है, वो सब चीज़ है। लास्ट में होता है कंक्लूजन कि आपका लास्ट में हमें स्कैन्टुबिम से क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, कि स्कैन्टुबिम में जो एस बिल्ड डेटा है, एस बिल्ड डेटा जो हम जनरेट होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं बहुत। देन स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लोस हो गया कि एक प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर कि जितने भी एक स्टेजेस आते हैं कि स्टार्टिंग में उनका एक एक स्टार्टिंग पे, जैसे कि लाइक स्टेज वन पे उसका आज डिज़ाइन इशू हुआ, नेक्स्ट उसका डिज़ाइन कंफर्मेशन हुआ, नेक्स्ट उसका लाइक जो मॉडलिंग वो स्टार्ट हुआ, मॉडलिंग के बाद मॉडलिंग कंप्लीट हुआ, उसका प्रॉपर क्यूसी हुआ, क्यूसी होने के बाद वो अपना रिव्यू के लिए गया, फिर रिव्यू के लिए बाद उसका जो क्वेरीज हो गया, जो उसका कमेंट्स हो गया हमारे पास वापस आए, आने के बाद हमने उसको वापस भेजा। तो ये सब जो लाइफ साइकिल है वो एक स्कैन टू भी अगर वो वर्कफ्लो में होगा तो हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन करना ईजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते कोलैबोरेट विजुअलाइजेशन, लाइक डिफरेंट डोमेन के लोग, जैसे कि एमएपी के लोग हो गए, स्ट्रक्चर के, आर्किटेक्चर के हो गए, सब अगर साथ में किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के साथ, तो उन सबको अपना रोल आइडेंटिफाई करने में, काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहता है। ऑनगोइंग फैसिलिटी मैनेजमेंट की वे स्कैन टू बीम का लॉन्ग टर्म असेसमेंट जो होता है। That's it for this slide. तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ कि रिकैप के फाइल के अंदर। रिकैप बेसिकली क्या होता है, जो स्कैन टू बीम का फाइल अपने पास होता है उसे हम जब देखते हैं, लाइक कि जो एक पर्सपेक्टिव था कि विजुअलाइजेशन का, वो चीज काम करता है हमारा रिकैप। रिकैप के अंदर जाके हम स्कैन टू बीम के फाइल को अच्छे से देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे कि रिकैप का जो फाइल का फॉर्मेट है जो होता है वो किस टाइप का फॉर्मेट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है ब्राइट सुगर, तो यहाँ पे एक फाइल है आरसीपी, इसको मैं अगर प्रॉपर्टीज में गया, इसका जो आता है आरसीपी, इट मीन्स ऑटोडेस्क रिकैप प्रोजेक्ट फाइल, तो ये आता है अपना मेन फाइल, मतलब जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होते हैं। जैसे कि स्टार्ट अगर मैं करूँ तो इसके अंदर एक ये फोल्डर है, फोल्डर के अंदर अपने पास दो टाइप के फाइल होते हैं, एक फोल्डर होंगे सपोर्ट का, इसके अलावा एक फाइल होगा जहाँ मतलब कि जो अपना मेन प्रोजेक्ट फाइल होगा जिससे जो हम लोड करेंगे रिकैप में। सपोर्ट के अंदर क्या होता है, सपोर्ट के अंदर मल्टीपल आरसीएस फाइल होते हैं, जैसे कि ये एक आरसीएस फाइल है, आरसीसी फाइल है, ये रहा आरसीएस फाइल। तो आरसीएस फाइल क्या होता है कि रिकैप का एक स्कैन लोकेशन का एक फाइल होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई स्कैनर किसी पर्टिकुलर एरिया, ऑब्जेक्ट या बिल्डिंग का स्कैन लेता है तो वो क्या करता है, एक स्कैनर एक एक लोकेशन पर प्लेस होता है तो वो उसके हर साइड का एक 360 स्कैन लेता है, मल्टीपल स्कैन लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70 स्कैन लेते हैं, जो एक एक पर्टिकुलर स्कैन होते हैं उन सबको बोलते हैं आरसीएस स्कैन, रिकैप का पर्टिकुलर एक स्कैन फाइल। जैसे कि आगे अगर आप चेक करोगे, वन फाइल है, 1 2 1 3, एक सिंगल सिंगल फाइल है। तो जब हम इन सभी फाइल को साथ में मर्ज करेंगे, स्टिच करेंगे, उससे हमें मिलेगा एक आरसीपी फाइल। गॉट इट? आरसीएस फाइल जो है वो एक सिंगल फाइल होता है, आरसीपी जो होता है वो मल्टीपल आरसीएस फाइल को साथ में स्टिच करके बनाया जाता है। तो जैसे कि मैं अगर अभी, और हमें जो रिकैप में जो जब हम काम करते हैं तो ओवरऑल देखने के लिए हम आरसीपी फाइल ही यूज करते हैं। तो मैं अगर अभी ओपन करूँ इसको, तो ये बेसिकली हमारा जो बिल्डिंग है उसका स्कैन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इस एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टार्ट में होम पेज, देन सेव होता है यहाँ से, देन यहाँ पे आपका जो स्कैन वगैरह जो भी मतलब मैंने पिछले कुछ दिनों में जो भी इंपोर्ट किया है वो सब यहाँ से आएंगे। देन अंडू है,
रिव्यू है, एक होता है पब्लिश करने का। सपोज हमारे पास, हमने अपने साइड से कोई स्कैन फाइल बनाया या हमने उसको अलाइन किया, स्टिच किया, रजिस्टर किया, तो हम उसको क्लाउड बेस में Game 360 पे हम उसको लोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आ गया कि यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं किसी भी, अब हमारे पास अगर कोई रॉ फाइल है, RCS फाइल है, या .E57 एक फॉर्मेट आता है जो कि अलग एक स्कैनर का फॉर्मेट रहता है। देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑफ स्कैन्स। E57 हो गया, जैसे कि रिकैप के लिए मेनली जो रिकैप सपोर्ट करता है वो E57 भी सपोर्ट करता है इंपोर्ट के टाइम पे, लेकिन जब ये एक्सपोर्ट करेगा तो ये मेनली RCP और RCS फाइल ही एक्सपोर्ट करके देगा। ओके और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फॉर्मेट है, .xyz फॉर्मेट भी है। देन एक फॉर्मेट है अपना जो कि साइक्लोन एक सॉफ्टवेयर है, उसका भी एक फॉर्मेट आता है, .LZ भी एक फॉर्मेट है। तो बहुत से फॉर्मेट है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग फॉर्मेट है उनका। जैसे कि स्कैनिंग तो कोई अकेला एक कंपनी नहीं करता है, हर एक कंपनी का, हर एक सॉफ्टवेयर का, हर एक स्कैनर का आउटकम का जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग होता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके हमें सॉफ्टवेयर्स को जब हम सॉरी जो स्कैन्स को जब हम लोड करते हैं, या स्कैन्स के लिए जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर जब हम चूज करते हैं, तो हमें उस फाइल फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चूज करना होता है। जैसे कि अगर मेरे पास XYZ डायरेक्ट फाइल हो तो वो चीज़ रिकैप या रेविट पर सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेविट भी अपने ऑटोडेस्क के अंदर ही जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो अपने इंटर एक फैमिली टाइप का जो एक फॉर्मेट है उन सबको सपोर्ट करता है। अगर आप बाहर से कोई सी चीज XYZ हो गया या ऐसा कोई फॉर्मेट जो भी सपोर्ट नहीं करता, तो वो रेविट नहीं लेगा। इसके लिए आपको पहले रिकैप में सपोर्टेड जो भी फाइल्स है उन सबको आपको पहले रिकैप में इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन उसको जब आप रिकैप से एक्सपोर्ट करोगे, RCP फाइल हो, RCS फाइल हो, जब आप जनरेट करोगे, उसके बाद आप रेविट पे काम कर सकते हो फर्दर। ओके तो सेकंड जो टैब आता है वहां पे आता है कि ये जो आप अभी जो देख रहे हो, जो आपका व्यू स्टाइल जो है वो RGB में है, इसलिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि स्कैन दो टाइप के आते हैं, या तो ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं या तो आते हैं कलरिंग स्कैन, जहाँ पे आपको प्रॉपर कलर दिखेंगे। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, कुछ कुछ जगह पे कलरिंग है। तो मेरे पास कलरिंग स्कैन भी है लेकिन उसका पूरा स्कैन नहीं, जैसे कि इसका रूफ दिख रहा है, अंदर का सब कुछ प्रॉपर आपको साइड वगैरह सब दिखता है, लेकिन जो मेरे पास कलर स्कैन वाला जो प्रोजेक्ट है वो ऐसा हाफ स्कैन किया हुआ है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट यही तक ही था। तो जो जिसने भी स्कैन किया है वो हाफ स्कैन किया है, तो वो दिखाऊंगा आपको। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा स्टार्टिंग में, तो मैंने इससे स्टार्ट किया। तो मैं अगर स्टार्टिंग पे जाके इस विजुअल स्टाइल को मैं अगर चेंज किया, रिविजन किया, तो देखोगे कि आपका जो व्यू स्टाइल है वो ग्राफिक्स से कुछ चेंज हो गया। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि अगर सपोज मुझे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से प्रॉपर दिख नहीं रहा है कि हाँ यहाँ पे एक टप टाइप का कुछ है, जहाँ पे फ्लावर पॉट हो गया, वो मुझे इस वाले स्कैन में ज्यादा अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है, तो मैं चेंज करके इसको RGB करूंगा, और ब्लैक एंड व्हाइट है इंटेंसिटी किया, तो हाँ मुझे अभी ये थोड़ा ज्यादा क्लियर दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे ब्रिक का जो पैटर्न है वो भी मेरे को अच्छे से दिख रहा है। अगर फर्स्ट मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया था तो मुझे दिख रहा था लेकिन उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो ये जो व्यू प्रोफाइल जो है वो बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से देखने के लिए, कि एक होता है व्यू प्रेफरेंस, हम किसी चीज को किस प्रेफरेंस में देखेंगे, हमारे लिए कौन सा बेस्ट व्यू रहेगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुतों को RGB में काम करना अच्छा लगता है कि हाँ मुझे सब कुछ दिखता है, और सेम गोज फॉर इंटेंसिटी, कि बहुत सारे लोग मतलब काम करते हैं, जाके नॉर्मल में भी काम करते हैं, इंटेंसिटी में भी काम करते हैं, स्कैन लोकेशन पे भी काम करते हैं। तो वो होता है कि अपने खुद के प्रेफरेंस हो गया कि जिस पर्सन को जिस व्यू प्रोफाइल में या सेटिंग पे उसे अच्छी तरीके से दिखता है वो उसी पे ही काम करता है जाके। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया अपना लाइटिंग शेड्स की। जैसे कि इसको चूज करेंगे तो लाइट के जो शेड्स है वो चेंज होते हैं,
सपोज कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे ऐसे स्कैन पे काम कर रहे हैं जिसका स्कैन ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत डार्क है, तो वहाँ पे हम ये सब सेटिंग कर सकते हैं कि हाँ हम इसको सिंगल रखेंगे तो थोड़ा ये ज़्यादा डार्क दिखेगा, और नेक्स्ट डबल करेंगे तो जाके थोड़ा सा सा जाके लाइट ज़्यादा आएगा, लास्ट में नन करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। शेडर अमाउंट पे ये कुछ ज़्यादा ऐसा सच काम नहीं करते। एज डिटेक्शन में क्या होता है, आपका एज जो होता है जो कि इस टाइप के बॉर्डर वगैरह जो भी होता है वो उस चीज को ट्रांसपेरेंट कर देगा, तो आपको ज्यादा वो दिखेगा नहीं, एकदम नन करोगे दिखेगा, डिफॉल्ट रखोगे तो ये मिक्स आएगा कि हाँ उस टाइप, तो आप इसे चेक कर सकते हो सेटिंग के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट आ गया पॉइंट डिस्प्ले, आपको जो ये सब पॉइंट दिख रहे हैं कि हाँ जो स्कैन आपको ओवरऑल दिख रहा है स्कैन, इसका साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो पॉइंट डिस्प्ले के, तो आपको जो ऐसे डॉट्स वगैरह ग्रेन्स जो है वो आपको बहुत बड़े दिखेंगे, तो वो बेसिकली क्या होता है जहाँ पे स्कैन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और हमें वो दिख नहीं रहा होता है कि हमें थोड़ा जूम इन करने का नहीं पड़ता है कि हाँ दिख नहीं रहा प्रॉपर, वहाँ पे जाके आप इसके डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपडेट ओरिजिन, तो वो स्टार्टिंग पे तो हम नहीं करते, वहाँ पे क्या होता है कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट वगैरह जो होता है वो हम सेट करते हैं स्टार्टिंग पे कि कितने एंगल से प्रीव्यू का देखना है, तो मैं स्टार्टिंग पे रखूंगा कि आप उसको डिफॉल्ट अभी जैसा 0 है उस पे रखो, वो बेस्ट होगा आपके लिए। देन नेक्स्ट हो गया रिसेट का, देन मिरर बॉल्स। मिरर बॉल्स क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था याद है कि जब हम स्कैन करते हैं तो हम अपने स्कैनर को किसी एक लोकेशन पर डालते हैं, एक लोकेशन से वो स्कैन लेता है, तो वो एक एक लोकेशन है ये मिरर बॉल्स। अगर मैं यहाँ पे गया इस पे जाके प्रेस किया, तो ये आपको इस एरिया का पूरा 360 व्यू देगा। अगर ये कुछ कलर स्कैन होता तो आपको ये सब कुछ कलरिंग दिखता कि ग्रास वगैरह जो भी है प्रॉपर आपको आपको बहुत से कलर दिखता। नेक्स्ट जैसे कि ये एक मिरर बॉल है, वहाँ पे एक मिरर बॉल है, यहाँ पे, तो ये हर एक जो मिरर बॉल से वो एक स्कैन लोकेशन है, वहाँ से स्कैन लिया हुआ है, तो आप मान सकते हो कि हाँ ये जो पोजिशन है वो सभी एक RCS के लोकेशन है, ये सभी RCS का लोकेशन है। मैं अगर यहाँ पे गया तो मुझे यहाँ से पूरा 360 व्यू दिखेगा आस पास का, यहाँ पे गया तो यहाँ से मुझे पूरे आस पास का व्यू दिखेगा। ओके मैं अगर चाहूँ कि वापस मुझे जो मेरे फर्स्ट डिफॉल्ट व्यू में जाना है 3D में जाना है तो यहाँ से 3D चेंज कर देता हूँ इंटेंसिटी एंड डिस्प्ले। अब नेक्स्ट आता है ये वाला जो अपना टैब है, यहाँ पे विंडो आता है, ये एक शॉर्टकट की तरह आप यूज कर सकते हो कि सपोज मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंस्टेंट जूम इन करना, मुझे अगर मैं तो जूम करने के लिए ऐसा भी यूज कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर जो ह्यूमन है उसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो मैं अगर चाहूँ कि मुझे बहुत आसानी से जाना है तो सिर्फ यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करो, यू विल ड्रैग इन टू दैट। आप अपने जो माउस से जिस भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करोगे आप वहाँ पे जूम इन हो जाओगे स्कैन के अंदर, जैसे कि ये यहाँ पे श्रब या बुश टाइप के वहाँ पे जूम इन किया, आपको ऐसे बार बार अपने माउस से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है पैनिंग का एक ऑप्शन, पेन तो आपको पता ही होगा रेविट पे आपने यूज किया होगा एडजस्ट करने के लिए व्यू का पेनिंग, और मुझे अगर यहाँ से अगर मुझे मूव करना होगा ऑर्बिट करना होगा, ऑर्बिट के लिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है आपका शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बटन साथ में दबा के मूव करो। देन नेक्स्ट आता है आपका ऑर्बिट वगैरह, सेम वे लुक हो गया कि यहाँ से आप देख सकते हो वैसे करके, एक आपका एरियल व्यू देगा यहाँ से आपको, यहाँ से कैसे दिखता है। नेक्स्ट होता है फ्लाई, तो ये क्या करेगा आपका यहाँ से एकदम जूम इन करते हुए जाएगा,
वो ऑन करूंगा तो बाद में ऑफ करने में दिक्कत होता है कभी कभी उसको थोड़ा। एंड सर्च में जाके अगर आपको कुछ सर्च वर्च करना हो गया, कुछ अगर सपोर्ट डेटा मिसिंग हो गया, तो अभी तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो अभी कनेक्टेड नहीं है क्लाउड के साथ, होता तो वहाँ पे हम कोई भी स्कैन फाइल को भी, यहाँ पे स्कैन फाइल हम ढूंढ सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या स्कैन फाइल को, अगर वो लिस्टेड होगा अपने स्कैन के अंदर। नेक्स्ट होता है लिमिट बॉक्स। तो लिमिट बॉक्स क्या होता है? लिमिट बॉक्स बेसिकली जो हमारे रेविट के अंदर जो सेक्शन बॉक्स होते हैं वही है लिमिट बॉक्स। तो जैसे कि हम अगर इसको यहाँ से पकड़ेंगे, स्लाइस कर सकते हैं, आगे पीछे करेंगे तो ये कट हो जाएगा। हमें यहाँ पे जस्ट जस्ट सेकंड, जैसे कि मैंने इसको पूरा फोकस कर दिया अपने मेन बिल्डिंग के ऊपर। ये था मैनुअल तरीका कि हम कैसे उसको बॉक्स को चेंज कर सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन रहता है, रीसेट कर दिया मैंने अभी, यहाँ पे गया पिक ऑप्शन, पिक किया, सेम हमने किसी ऑब्जेक्ट को पिक किया, उसका एक स्लाइस आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, हमें अगर इनसाइड बिल्डिंग भी देखना होगा तो हम उसको यहाँ से भी स्लाइस कर सकते। इनसाइड बिल्डिंग जब हम स्लाइस करेंगे तो अब हमें बिल्डिंग के इनसाइड के भी जो भी स्ट्रक्चर वगैरह एलिमेंट वगैरह होगा वो सब इस व्यू में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हो यहाँ से, यहाँ पे एक लिविंग एरिया है, यहाँ पर भी सेम है। देन यहाँ पे आपका बेडरूम, बेडरूम है, हॉलवे टाइप का है, या बेडरूम ही कह सकते हो, अभी यहाँ पे फर्नीचर वगैरह है नहीं कुछ। देन स्टेयर वगैरह तो आपको सब चीजें दिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर भी किसी अंदर के स्कैन पे जाऊंगा तो आपको ऐसा इनसाइड का पूरा दिखेगा। अगर यहाँ पे जो आपको स्कैन दिख रहा है वो अगर आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे जाना व्यू में जाके इंटेंसिटी कर। इंटेंसिटी में आपको जो भी अपने ऑब्जेक्ट है वो सभी आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखेंगे वहां से। तो ये जो इंटेंसिटी और आरजीबी का जो दो ऑप्शन है, ये सिर्फ जब आप किसी मिरर बॉल के अंदर जाओगे या किसी स्कैन के अंदर जाओगे तभी आपको मिलेगा, अदर देन आपको वही आरजीबी इंटेंसिटी वाला जो डिफॉल्ट है वही मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कि एक कलर स्कैन था, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे को मिलता है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कलर स्कैन कैसा होता है। इसके अंदर एक है, इसके ऊपर वाले फ्लोर पर होगा शायद, पे एक ही फ्लोर है इस बिल्डिंग का। स्कैन था कलरिंग स्कैन, क्लियर रहेगा कि कहाँ पे है मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन, तो ब्लैक एंड व्हाइट है, हाँ ये रहा है कलर स्कैन। जैसे कि सिर्फ एक ही स्कैन लिया है ये लोगों ने यहाँ पर, तो यहाँ पे शायद कुछ ऐसा ज्यादा टिम्बर स्ट्रक्चर वगैरह है, पाइपिंग वगैरह है, इस वजह से इसका अच्छे से एक स्कैन लिया हुआ है कलर स्कैन का, ताकि हमें समझने में आसानी हो। या तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, या तो उनका जो स्कैनर हो गया उसमें कुछ शायद ग्लिच आ गया होगा, लास्ट में जाके वो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन में कन्वर्ट हो चुका हो। क्योंकि क्या होता है, जो अपने ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन होते हैं ना, उनको निकालना बहुत आसान होता है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। लेकिन जो कलरिंग स्कैन होता है उन सबको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस होने में, डेटा को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वही चीज़ के लिए आप चेक करोगे कि जो स्कैन फाइल्स होते हैं हर एक कंपनी के, जो स्कैन फाइल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ के यहाँ का जो स्कैन है आपको प्रॉपर सब कुछ दिख रहा होगा, तो हो सकता है कि आप
किसी कंपनी में जब आप जॉब करोगे जाके, अगर वो आपको जब कोई भी स्कैन फाइल देंगे वो ज़्यादा अच्छा ना हो, वो एकदम खराब स्कैन हो, इस टाइप का स्कैन हो, हाफ दिखता है, जैसे कि यहाँ का जो स्कैन है हाफ दिखता है हाफ नहीं दिखता है, तो आपको वो सब चीज़ों में भी आपको डील करना पड़ता है। लेकिन जब आप काम करते हो, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब तुमको हो जाता है अच्छा। सेम जैसे कि ये सब मिरर बॉल्स जो भी है, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट कंपनी में जहाँ पे आप काम करने जाओगे या इंटरव्यू दोगे, हो सकता है उनके पास ये मिरर बॉल्स ना हो, सिर्फ ऐसा स्कैन हो, तो आपको फिर जाके यहाँ से लिमिट बॉक्स ले जाके चेक करना पड़ेगा, आरसीबी फाइल काट काट के हर चीज़ को। मुझे रूम चेक करना होगा, यहाँ पे जाऊंगा अंदर जाके, मुझे तब मुझे मैक्सिमम टाइम एजम्पशन करके ही देखना पड़ेगा कि हाँ इस पे ऐसा है। ओके सो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा रिकैप सॉफ्टवेयर का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिकैप का मेन पर्पस क्या होता है। ये मॉडलिंग में यूज नहीं होता, ये सिर्फ हमारे जो स्कैन फाइल को देखने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको उस पर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट अभी जाते हैं हम रिकैप सॉफ्टवेयर में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि रिकैप में कैसे हमारे जो स्कैन फाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं सेम इसी फाइल को, और रिकैप के अंदर भी आपके पास रिकैप मैंने खोल दिया अभी। तो स्टार्टिंग पे मैंने कोई सा भी एक मैट्रिक, आप कोई सा भी टेम्पलेट ले सकते हो, मैट्रिक इंपीरियल मैट्रिक। तो मैं अभी के लिए जो अपने पास मटेरियल भी चालू बोले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो हमारा फाइल्स है वो सब लोड करना पड़ेगा। तो हमें कौन सा फाइल लोड करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो हमारे पास आरसीपी फाइल था, या ये वाला जो फाइल था, इसे हमें लोड करना है डेविड के अंदर। आर सी एस फाइल हमें लोड नहीं करना, क्योंकि अगर अगर हम आर सी एस फाइल लोड करेंगे हमें सिर्फ एक ही स्कैन दिखेगा, सिर्फ पर्टिकुलर जो एक ही स्कैन था। जैसे कि रिकैप में मैं अगर जाकर आपको समझाऊँ, तो अगर मैंने सपोज ये वाला स्कैन जो है, इसका नाम क्या है, नाम है इसका 1/13 या ऐसा कुछ, ठीक है 1/13। तो अगर आप जाके चेक करेंगे हम फोल्डर के अंदर, ये रहा 1/13 वाला स्कैन, वो पर्टिकुलर एक ही स्कैन होगा वो। तो मैं अगर उसको आर सी एस फाइल को मैं अगर लोड करूंगा तो मेरे पास एक ही फाइल आएंगे। तो हमें चाहिए क्या, आर सी पी फाइल जो मल्टीपल आर सी एस के साथ स्टिच हुआ है। तो सबसे पहले जाएंगे मैनेज लिंक पे, देन पॉइंट क्लाउड, देन ऐड मैनेज लिंक पॉइंट क्लाउड। मैनेज लिंक पे जाने के लिए इंसर्ट पे जाना, मैनेज लिंक पॉइंट क्लाउड एड। ठीक है, ये एक और प्रोजेक्ट था, ये वो फाइल है आरसीपी फाइल है हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हो कि फाइल फॉर्मेट भी दो ही ये सपोर्ट करता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास अगर अलग अलग टाइप के फाइल्स भी होंगे, तो मुझे जितना पता है कि ये दोनों फाइल्स के अलावा रेविट बाकी और कोई सॉफ्टवेयर डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। डायरेक्टली करता होगा प्लगइन के थ्रू करता होगा, उसका मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे जितना पता है कि ये दोनों फाइल्स मेन रेविट के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं। तो हमारा जो फाइल फॉर्मेट है वो आरसीपी है, आरसीपी चूज कर लेंगे ये वाला। देन यहाँ पे आता है पोजिशनिंग का, कि हमें ये हमारे जो स्कैन फाइल है वो किस पोजीशन पे चाहिए। सेंटर टू सेंटर मतलब अपना डेबिट का सेंटर, ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन मतलब स्कैन का ओरिजिन के साथ अब हमारे डेबिट का जो इंटरनल ओरिजिन है उसके साथ एसोसिएट होना। बाई शेयर कोऑर्डिनेट क्या होता है, बाई शेयर कोऑर्डिनेट होता है कि क्लाइंट ने पहले से कोई जगह, या हम जब प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं स्टार्टिंग इनिशियल में, तो हम उसका कोऑर्डिनेट को ऊपर नीचे करके सेट करके रखते हैं स्कैन फाइल को, उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं उसे। तो हम तीन ऑप्शन हमारे पास है, तो वो प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग हम पोजिशनिंग करते हैं। बहुत से प्रोजेक्ट में सेंटर टू सेंटर करते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट में ओरिजिन टू इंटरनल वाला करते हैं, बहुतों में बेशक कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हर एक स्कैन फाइल का जो लोकेशन होता है वो डिफरेंट होता है। क्लाइंट को कभी कभी
उसने जो क्लाइंट ने जो सेट किया होता है अपने स्कैनर के अंदर, या उसने जब एक हमें फाइल जो हमें एक पूरा स्कैन फाइल भेजा होता है, उसने अपने अकॉर्डिंग कुछ सेटिंग किया होता है इनिशियल, क्योंकि उसे भी सेम लोकेशन पर ही चाहिए होता है। अगर आप किसी मैप को खोल के चेक करोगे कि हाँ अगर आपका बिल्डिंग ईस्ट फेसिंग है 24 डिग्री वट एवर कुछ एक एक पोजिशन पर सेट है वो, तो जब आपका मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्सिमम क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट को ट्रू नॉर्थ प्रोजेक्ट नॉर्थ के अकॉर्डिंग उसे ओरिएंट करना होता है डिलीवर करने से पहले। या तो वो हम करते हैं या तो नेक्स्ट हम जिसको देते हैं वो उसको करके देता है। तो सही पोजिशनिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हर एक प्रोजेक्ट से पहले हर एक जो प्रोजेक्ट का पोजिशनिंग का जो सेटिंग होता है अलग अलग रहता है। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अभी के लिए ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन चूज करता हूँ। लोड हो गया आपका पॉइंट लोड का आरसीपी फाइल है, फाइल का पाथ आ जाएगा स्टेटस लोडेड। विल टेक सम टाइम, आ गया ना। जैसे कि आपका जो ये प्लेस हुआ है वो तो दूर प्लेस हुआ है। और एक चीज याद रखना, अगर पॉइंट क्लाउड आपका मूव हुआ है या पॉइंट क्लाउड का आपका जो पोजीशन दूर है, कभी भी एलिवेशन वगैरह को हिला के आप उसके पास मत लेके जाना। वो चीज याद रखना कि पॉइंट क्लाउड जो है वो हमेशा जगह पे फिक्स रहेगा, वो कभी नहीं हिलेगा अंटिल अनलेस आपका फर्दर इंस्ट्रक्ट आया हो कि हाँ उसको अप डाउन कर दो, उसको चेंज कर दो, तब आप करो, नहीं तो आप पॉइंट क्लाउड को छेड़ो ही मत। जब आ जाए सीधा लॉक कर दो उसे। लॉक करने का क्या है, नीचे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, ये सब ऑप्शंस स्टार्टिंग पे आई विल सजेस्ट कि आप इस सभी, जैसे कि अगर मैं इसको टैप करूंगा तो ये मूव होगा अभी मूव, क्योंकि पिन नहीं है, तो कभी इसे मूव नहीं करने का, इसे हमेशा लॉक रखने का। ओके इसे लॉक कर, ये चारों जो पांचों जो ऑप्शन है सब इन सबको हमेशा स्टार्टिंग पे आप लॉक कर दो, ताकि आपका गलती से भी कभी आपका कर्सर मूव हो के भी आपका जो पॉइंट लोड है वो मूव नहीं होगा। और जब पॉइंट लोड ऐसे अनपिन रहता है ना तो फाइल थोड़ा ज्यादा स्लो हो जाता है, तो जब आप मॉडल करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, फाइल थोड़ा स्लो हो जाएगा, उसके लिए स्टार्टिंग पे ही जाके लॉक कर देना पाँचों चीज़ों को। अभी जैसे कि अगर आप चेक करोगे कि अपना जो स्कैन फाइल जो है वो आ गया है प्रॉपरली, सेम बिल्डिंग का वही बिल्डिंग का, तो यहाँ पर भी जो हमने देखा था कि व्यू स्टाइल होता है आईजीबी इंटेंसिटी का, यहाँ पर भी है। अगर मैं एक ऑप्शन आता है वीवी करूँगा, विजुअल ग्राफिक्स जो सेटिंग आता है उसके लास्ट पे पॉइंट क्लाउड आईजीबी भी सेट है इसका, चेंज करूंगा एलिवेशन नॉर्मल इंटेंसिटी, हमारे पास ऑप्शन है, सिंगल कलर करूंगा ये रेड आ जाएगा पूरा इसका जो स्कैन है, रेड हो जाएगा इसका, तो ये अनयूजेबल हो जाएगा। एलिवेशन में रेड ब्लू कलर ऐसा आएगा, देन इंटेंसिटी में आएगा ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, डार्क हो गया है। लास्ट ऑप्शन नॉर्मल जो कि मैं यूज करता हूँ मैक्सिमम अपने इस टाइप का है, लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट में भी मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है आपका जो भी जॉब का भी प्रोफाइल है वो सही से काम ना करे, किसी प्रोफाइल में इस व्यू में आपको अच्छा दिखता होगा, तो अभी के लिए मैं उसको आरजीबी में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, जब भी आप पॉइंट क्लाउड को लोड करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेवल आइडेंटिफिकेशन करना होता है। लेवल आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस आपको बिल्डिंग का या जिस भी ऑब्जेक्ट का आप मॉडल करने जा रहे हो उसका लेवल पहले से आपको सेट करना होता है। जैसे कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये शॉर्टकट मैंने असाइन किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि शॉर्टकट मैंने कैसे असाइन किया है कि ऑन ऑफ करने का, लेवल को यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया थोड़ा। तो आप अगर सपोज आपको पॉइंट क्लाउड ऑफ करना होगा काम करने के बीच में, अपना वर्ल्ड ड्रॉ किया हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो टेम्पररी इसको ऑफ करना, तो वीवी में जाना पॉइंट क्लाउड
शो बंद करना है सो यार ओके वापस आने के लिए वीबी पॉइंट क्लाउड ऑन आ जाएगा। इसका एक और मेथड है कि एक लगिन आता है डी रूट्स का, वहाँ पे जाके आप इसको असाइन कर सकते हो। जैसे कि ठीक है मैं वो चीज़ आपको बाद में समझा दूंगा, ये शॉर्टकट्स होते हैं प्लगइन्स वगैरह होते हैं बहुत से जो कि हम करते हैं कि हमारा टाइम सेव हो और वर्क फ्लो थोड़ा आसान हो। फर्स्ट मतलब जो चीज़ मैंने आपको बोला था कि पहले जाके लेवल आइडेंटिफिकेशन करना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अभी मैं लेवल 1 पे जाऊंगा तो ये दिख जाएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट का जो अपना ओरिएंटेशन जो अच्छा है। तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आपको प्रोजेक्ट दिखेगा भी नहीं, कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग पे साइट पे चले जाना, साइट पे जाने के बाद आपको पूरा टॉप से आपको दिखेगा कि हाँ एकदम बहुत हाइट से आपको दिखेगा कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे प्रोजेक्ट के बीच में से पॉइंट क्लाउड फाइल बहुत हेवी हो जाता है कभी कभी, तो वो अगर आपका पीसी अगर लैग होता है तो होगा वो अच्छा खासा, क्योंकि वो कैट की तरह नहीं है कि आपने इंपोर्ट कर दिया और सीधा हो गया, वो पूरा ऐसा आपका जीपीयू इंटेंसिटी पूरा खींचेगा। एक सेक्शन ले लेंगे बिल्डिंग के बीचों बीच, उसका फायर क्लिप को जितना हो सके स्टार्टिंग में कम रखना ताकि आपको अच्छे से दिख सके। जैसे कि ये मेरा आ गया मेरा ग्राउंड फ्लोर, ये तो हो गया मेरा जो एक क्या बोलते हैं उसको मेन जो अपना ग्राउंड हो गया, लेकिन हमारा जो जीएफएल है वो तो यहाँ पे है। अभी हमारे यहाँ पे हम इसको मूव कर देते हैं नीचे यहाँ तक ला के सेट कर दिया। ठीक है इस वाले प्रोजेक्ट में फर्स्ट फ्लोर है नहीं तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ तक असाइन कर देता हूँ सीलिंग तक। देन अभी मैं अगर लेवल 1 पर जाऊंगा तो मुझे इस टाइप का दिखेगा। तो अभी एक टर्म आता है व्यू रेंज का जो कि स्कैन टू बीम वर्क फ्लो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यू रेंज क्या है, व्यू रेंज किया मैंने सपोज अभी मैंने इसका अभी जो जीरो है एक्सप्लेन करने के लिए, अभी हमारा जो व्यू है वो है अपना बॉटम लेवल का है यहाँ पे जो अपना व्यू डेप्थ है एकदम नीचे के एसोसिएट ये पोर्शन है बॉटम है हमारा ये वाला, और जो कट प्लेन है यहाँ पे कट प्लेन है इसका टॉप है यहाँ पे। अगर मैं इसको सपोज कट प्लेन को कर दिया 1500, मैं आपको सेक्शन पर ले जाकर अच्छे से समझाऊंगा इसको, तो पहले आप एक ओवरव्यू देख लो इसका। और बॉटम कर दिया मैंने 750 तो क्या होगा, मेरा जो स्कैन है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अभी मैं चेक करूंगा जाके शो में जाके ओके ठीक है मेरे को सेक्शन में ही जाकर समझाता हूँ इसका। जैसे कि ये हमारा एक सेक्शन है फायर क्लिप को मैंने अभी के लिए थोड़ा बड़ा, इसका स्कैन का थोड़ा इशू है कि इसका जो जो टॉप का ट्रस है वो नीचे दिख रहा है, वो स्कैन में थोड़ा मिसअलाइनमेंट है इसका। जगह को चेंज कर देता हूँ ठीक है। हाँ जी तो मैं जो बोल रहा था व्यू रेंज का, सपोज हमारा ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये टॉप लाइन है ठीक है। तो मैं जब स्टार्टिंग पे वीआर किया था तो हमारा जो बॉटम है वो अभी यहाँ पे है, तो हमें यहाँ से लेके ये हमारा कट प्लेन हो गया, ये हो गया हमारा बॉटम, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का अभी दिखेगा। अगर मैं अपने कट प्लेन को नीचे करूँगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का ही दिखेगा। इसका डिस्टेंस कितना है 940, अगर मैं अभी 940/0 किया तो अभी मुझे यहाँ से लेके इसके पूरे फ्लोर तक दिखेगा। ये जो आपको ब्लैक पूरा होल ब्लैक दिख रहा है वो फ्लोर है इसका ठीक है। अगर मैं इसको अप करूँगा व्यू रेंज को 750 किया यहाँ से किया 1500, तो इसका क्या है कि जो एसोसिएट लेवल 1 है ये लेवल 1 से ऑफसेट में इतना है
मतलब ये हमारा लेवल वन है। हमारा जब व्यू रेंज क्या है, जो नीचे से बॉटम जो है वो 750 में एसोसिएट लॉक है वो पूरा, सेवन फिफ्टीन हंड्रेड आपका नीचे से, यहां से 1500। तो मुझे अभी यहां से यहां तक का पूरे प्रोजेक्ट का जितना भी है, पूरे प्रोजेक्ट एंटायर प्रोजेक्ट का इस व्यू में जो भी है वो सब दिख रहा है मुझे। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो उसका चेंज करके नॉर्मल कर देता हूँ, तो अभी नॉर्मल पे आपको अच्छे से दिख रहा है। तो मैं वही बोला था ना कि वो व्यू प्रोफाइल अपने अपने अकॉर्डिंग सेट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा पीछे कर देता हूँ, तो मुझे अभी नीचे से 750 अप और नीचे से 150 अप, इस यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन का मेरे को पूरा दिख रहा है। अगर मैं वापस जीरो कर दिया तो मुझे नीचे का स्लैब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर किया मैंने इसको, मैंने 2200 किया और ऊपर का दिखेगा। लेकिन जो ये टॉप है, टॉप और कट प्लेन ऐसा होना चाहिए कि ये आपका, सपोज आपका टॉप है, ये आपका कट प्लेन है, तो टॉप जो है वो हमेशा कट प्लेन से कम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो टॉप व्यू होगा वो वहां तक जाएगा और जो आपका कट होगा वो यहाँ तक। अगर आपका टॉप को कट एक्सिट कर देगा फिर आपका नहीं होगा, क्या होगा, भाई मेरा टॉप कितना है 2300 है, इसको मैंने 2500 के नहीं होगा, क्योंकि टॉप जो है वो हमेशा कट प्लेन से ऊपर रहेगा, वो आपका एरिया होगा टॉप और लेवल का जो बॉटम है ना ये दोनों, ये इसको मैं -500 या -1000 कर देता हूँ कि हम इतना तक मैं नीचे देखूंगा। और मैं अगर इसे अगर -1500 करूंगा नहीं होगा, क्योंकि ये और ये मान के चलो आपके रेंज है, इनके बीच में आपको खेलना है इसके साथ जो भी आपको देखना है। अगर मैं इसको 1500 करूंगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने जीरो किया, और फिर मैं अगर इसको 1200 करूंगा तब भी आएगा। ये इसके इक्वल हो सकता है, कट प्लेन टॉप प्लेन के इक्वल हो सकता है, लेकिन और अगर मैं मेरा टॉप और बॉटम साथ में सेम हो गया तो मेरा पॉइंट लग गायब हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा अपना हो गया बॉटम, ये हो गया कट। अगर मैं मेरा कट और बॉटम साथ में होगा तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, वह सेम हो सके। 1200 कर दिया, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ है व्यू रेंज को समझना। व्यू रेंज को आइडेंटिफिकेशन करे बिना आप मॉडलिंग का कुछ कर ही नहीं सकते प्रॉपरली। वो आइडेंटिफिकेशन करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा कि ये क्या है। आप बार बार 3D में जाओगे, 2D में जाओगे। तो आइडियली अगर मुझे इस वॉल, जैसे कि मुझे अभी यहाँ का जो एक वॉल का स्कैन मतलब कि ड्रॉ करना है मुझे, तो मुझे अभी इसके अंदर दिख तो रहा है, लेकिन मुझे ये साथ में अनवांटेड जो भी चीज़ है वो सब दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पूरा क्लीन इंटरफेस मिले इसका, तो सिर्फ मुझे वॉल दिखे कुछ ना दिखे। तो मैं कितने में जा सकता हूँ पहले देख लेते हैं वो चीज़ें, व्यू रेंज सेट कर लेते हैं पहले। वो आपको स्टार्टिंग पे आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ा होगा, तो आप सेक्शन काट काट के ऐसे देख सकते हो। मैन्युअली करने जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे वॉल है, ठीक है, ये वाला पोर्शन का ये स्कैन का इशू है, सो यू कैन स्किप दैट। मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मेरा जो टॉप होगा उसको मैं 1870 रखता हूँ, बॉटम को जीरो रखता हूँ, ठीक है, मेरे 1870 टॉप होना चाहिए, 1870 टॉप, और देन इसको रख दिया मैंने 1700, बॉटम को रख दिया मैंने 1200, अभी मुझे सब वॉल दिखेगा। जो ट्रस्ट का है वो इशू है स्कैन का थोड़ा।
जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम कमिंग। वेट गाइस, शायद कुछ इमरजेंसी आपको आ गया होगा सर के पास, इसलिए उन्होंने रुक गया। नितेश, आपने हैंड रेस किया था काफी देर से, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हेलो सर। थाम थाम थाम। यस आनंद। सर, ये जो स्कैन टू बीम की जो क्लास चल रही, यस यही अपने जो स्कोर्स में है ना, स्कैन टू बीम की यही यस फाइनल होगी कि आप उसके बाद लेंगे और क्लास? यही 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 इसी में करना है आपको, ठीक है? ऑलरेडी एक बार क्लास चल चुकी है, बट आपके बैच के लिए फिर से बैच चल रही है, तो इसी पर आपको वर्क करना है, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा है, कैट टू बीआईएम, स्कैन टू बीआईएम का सिर्फ कन्वर्जन समझना है, बाकी चीजें सेम है। जैसे कैट टू बीआईएम में है वही चीज इसमें भी है, सिर्फ इस फाइल पर काम करना है। सॉरी सॉरी, थोड़ा इशू हो गया था। नो इट्स ओके, यू कैन रिकवर, इट्स ओके। टाइम तो नहीं लगे, कुछ टाइम चाहिए तो ले सकते हैं दीपेनिक, कोई नहीं दिक्कत नहीं। समझ, हो गया बस। ओके ओके एक आया था बस, मतलब दूध वाला आया था दूध देने के लिए। ओके ओके। क्या गाय कर लेते हो, भैंस कर लेते हो? गाय के लेता हूँ सर, ओके वहां पे अच्छा आपको आया था। ओके ठीक है। ओके गाइस कंटिन्यू प्लीज। प्लीज सही सही रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर? यस यस यस, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ओके ओके। सो मैंने लास्ट जहाँ पे लास्ट टॉपिक जो बोला था वायर ड्रॉ करने का, तो हमें यहाँ से हमारा व्यू रेंज जो है वो तो हमें प्रॉपरली मिल गया कि हाँ हमारा जो व्यू रेंज है यहाँ से यहाँ तक का प्रॉपर व्यू रेंज है। तो अभी उसके अकॉर्डिंग हमने सर्वे कर दिया था 1700 1200 का, अभी हम यहाँ से वायर ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते। वायर ड्रॉ से पहले लेवल कर लेते हैं अनकनेक्टेड से, लेवल सेंटर से उसको स्टीरियो हैं। जैसे कि ये वाल थोड़ा टेढ़ा है, तो अगर आप सोचोगे कि हम अगर किसी भी कैड फाइल में काम करते तो कैड फाइल हमें इतना ज्यादा प्रीसाइज डेटा नहीं देगा कि हाँ ये यहाँ से टेढ़ा है, क्योंकि बिल्डिंग है, टाइम के साथ ही इसका जो शेप है वो चेंज होता है, खुद का लोड होगा या वहाँ पे कोई स्वीप वगैरह होगा, कोई ऐसा पैटर्न होगा, प्लास्टर तरफ थोड़ा चेंज हो गया होगा, हमें पूरा एकदम रियल जो भी इसका जियोमेट्री है वो हमें मिलेगा वहां से, ठीक है? तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक इसको अगर ड्रॉ कर देंगे, दन टैप दबा के उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। अभी के लिए आप ट्राई करो कि हर एक वॉल को सीधा, ऐसे प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई करो सीधा बनाने का, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास एक तो लेवल आता है कि एक मेजरमेंट आता है कि हम 30 mm 40 mm तक अगर कोई अगर वॉल टेढ़ा है, जैसे कि स्टार्ट टू एंड हमेशा गिनते हैं, वायर फ्रेम कर लेंगे ताकि हमें वो थ्रू बाय थ्रू दिखे, रिटर्न लाइन पता है इसको, अगर हम डब्ल्यू एफ से वायर फ्रेम कर लेंगे या यहाँ से जाके वायर फ्रेम कर लेंगे तो हमें इसका थ्रू बाय थ्रू दिखेगा। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी हम ड्रॉ करते हैं हम स्टार्ट से लेके एंड तक दिखते हैं, क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट से लेके एंड तक अगर मतलब दो पॉइंट मैच हो रहे, मतलब बीच में उसका टाइम के साथ उसका स्लांट हुआ है, इशू हुआ है कुछ उसका, ठीक है? जो कि या तो नेग्लिजिबल हो सकता है या तो फर्दर हम उसको असेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टार्ट और एंड मैच होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं अगर मैच कर दिया यहाँ से तो मेरा ये मैच, अभी ये थिकनेस इसका मैं चेंज कर दूंगा 300, 300 है ये पर 300। ओके। और एक चीज देखना कि अगर आपने कोई वॉल ड्रॉ किया है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा वॉल है, मैंने इस पर ड्रॉ किया, एक और कॉन्सेप्ट है आपका स्कोप बॉक्स का, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो अगर रोटेट होके आया होगा या आपको उसको, अगर आपको उसको सीधा करना होगा आप कैसे करोगे, तो स्टार्टिंग पे मैं आपको वही दिखा देता हूँ, अच्छा होगा आप समझोगे कि जब प्रोजेक्ट कुछ टेढ़ा आता है, जैसे कि ये वॉल जो है वो टेढ़ा आया था अपने पास, इसका स्कैन अगर पकड़ोगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे इतना टेढ़ा है, तो हम कैसे उसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है? स्कैन को सबसे पहले व्यू में जाना, स्कोप बॉक्स,
व्यू के अंदर स्कोप बॉक्स, स्कोप बॉक्स ड्रॉ कर देना अपने प्रोजेक्ट के आसपास यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, नाम के इसका स्कोप बॉक्स वन, ठीक है। अभी फाइल बहुत हेवी हो जाता है कभी कभी, तो लोड होने में टाइम लगता है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यह वाल 13 था, तो आप किसी भी एक वाल या ऑब्जेक्ट का रिस्पेक्टिव पे आपके पूरे स्कोप बॉक्स पे अलाइन करके उसको सीधा या अपने हिसाब से एंगल में मूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आई सजेस्ट कि जब भी आप किसी अलग प्रोजेक्ट में काम करो, आप देखो सबसे लंबा वाला वाल या सबसे लंबा आपका ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली वाल ही होगा, कोई लंबा वाल को पकड़ना, उसको सबसे पहले आप सीधा कर देना, तो उससे क्या होगा कि जो लंबा वाल जो जब सीधा होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी छोटे वाल होंगे वो भी सीधे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप सोचोगे लंबा वाल जितना टेढ़ा होगा वो छोटे वाल भी उतने ही ज्यादा टेढ़े होंगे, सेम एंगल पे टेढ़े होंगे, उनके सिर्फ साइज छोटे ही, इसलिए आपको लॉन्ग में जाके वो दिखेगा नहीं, लेकिन जो वाल टेढ़ा है वो आपको प्रॉपर लंबा वाल में आपको जितना टेढ़ा है वो प्रॉपर दिख जाएगा। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि ये वाल यहाँ से मैंने सबसे पहले एक टेढ़ा लाइन कर दिया, टैब दबा के यहाँ तक डाल दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ से एक सीधा लाइन खींच लिया, फिर अभी इसका एंगल कितना है चेक करेंगे, सीधा लाइन और हमारा जो टेढ़ा लाइन है उसके बीच में 0.68 का, ठीक है। अभी हम अपने स्कोप बॉक्स को पकड़ेंगे और 0.68 इसको रोटेट कर देंगे, ओके 0.68 एंटर करने के बाद व्यू में जाके स्कोप बॉक्स अभी नन है, इसको स्कोप बॉक्स वन में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मैंने उल्टा रोटेट कर दिया इसको। अभी सीधा लाइन है, अभी इसको ऑपोजिट साइड से इस साइड से 0.68 घुमा दिया, आपका जो स्कैन टेढ़ा था पहले वो अभी सीधा हो गया। अभी कैसे आपको पता चलेगा, स्टार्टिंग पे जो मैंने वायर ड्रॉ किया था 300 mm का वो पहले टेढ़ा आया था, अभी मैं उसको 300 करूँगा, आपका वाल परफेक्टली सीधा आ जाएगा यहाँ से, ओके। अपने अपने स्कोप बॉक्स के अकॉर्डिंग उसको सीधा कर दिया, वैसे ही आपका आप इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अभी आप यहाँ से वाल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ साइज के अकॉर्डिंग, और जब भी आप ड्रॉ करोगे एक चीज याद रखना कि हमेशा राउंड ऑफ यूज करना, कि या तो 50 या 40 60 इस टाइप के वाल चूज करना, ये 367 फिर अपना 342 343, मतलब ऐसे वाल यूज मत करना जो कि स्टैंडर्ड्स के बाहर, स्टैंडर्ड में तो 50-100 के ही वाल रहते हैं, 40-30 बहुत रेयर रहते हैं, वो अपने अंदर के इंसुलेशन होते हैं या प्लास्टर होते हैं, हम तो उसको भी कंसिडर करते हैं वाल। स्टैंडर्ड में तो आपका 100, 150, 200, 250, 300 इस टाइप के वाल होंगे, ठीक है, वो चीज़ हमेशा ख्याल रखना कि स्टैंडर्ड को लेके हमेशा कॉशियस रहना। स्टैंडर्ड एक ऐसा चीज़ होता है कि हमारे स्कैन टू बीम हो गया, बीम में आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, एलओडी के अकॉर्डिंग स्टेपिड अपना आपके पास जो प्लान आता है वो आपके फैमिलीज मेंशन रहता है, डोर विंडोज के साइजेस सब कुछ आपको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। अगर स्कैन में आपको दिख रहा है कि हाँ ये तो 162 है, नहीं वो 160 है, आपका जो स्कैन है वो स्कैन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन जो उसका साइज स्टैंडर्ड है वो हमेशा सेम ही रहेगा, 162 का कोई भी विंडो डोर नहीं होता है। स्कैन में अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ज्यादा रिफ्लेक्शन है, टूटा हुआ है, रेयर बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि जो साइज होता है वो कस्टमाइज होता है, ठीक है। वाल जैसे कि यहाँ पे हम बना सकते हैं, यहाँ पे पतला एक वाल है, वाल ड्रॉ कर दिया, इसका जो साइज होगा वो
100 mm का होगा अप्रोक्सीमेट। इस टाइप से आप पूरा वॉल को ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आज मैं ज्यादा चीज कवर नहीं करूंगा, नहीं तो आप बाद में ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आज आपको सिर्फ दो या तीन चीजें ही दिखाऊंगा, बेसिक चीजें जैसे कि वॉल कैसे ड्रॉ करते, डोर विंडो कैसे प्लेस करते। बाकी आप नेक्स्ट क्लास में मेरे को अच्छे से दिखाओ कि हाँ हमने ये प्रैक्टिस किया है, हमने डोर विंडो को कैसे प्लेस मतलब कि प्लेस करना है हमने सीख लिया है। फर्दर मैं फ्लोर वगैरह रूफ वगैरह वो सब कैसे प्लेस करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, कोई सेक्शन बॉक्स से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सब सेक्शन बॉक्स से तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि डोर और विंडो को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके अलावा जो 3D वगैरह के काम जो भी रहते हैं, जैसे 3D में कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर जाके अपने स्ट्रक्चर मेंबर वगैरह कुछ अगर है वो सबको स्कैन के साथ मैच करने का जो कैसे टेक्निक रहता है, सेक्शन काट के 3D में कैसे प्लेस किया जाता है, फिर आप रेफरेंस प्लेन पर करके, वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा अच्छे से। तो आप आज का जितना भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को एटलीस्ट उतना करके दिखाओ, दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस। ओके, तो अभी यहाँ पे विंडो है, जैसे कि ये एक विंडो है, अभी के लिए मैं इसको पकड़ लेता हूँ, तो वही भी ऑरेंज के इसलिए मेरे को दिख नहीं रहा, रेंज को मैंने 200 किया तो ऊपर है शायद डॉलर्स कितने में है इसका हाइट 915 दिखना तो चाहिए था। ठीक है, अभी एक सेक्शन काटो थ्रू बाय थ्रू यहाँ से। अभी सबसे पहले इसका जो साइज वगैरह है एडजस्ट कर लेते हैं, पकड़ते हैं थिकनेस को और कर देते हैं 550 650। पहले आप जैसे देख सकते हो इसका दो लाइन खींच के यहाँ से यहाँ तक, या तो यहाँ से जाओ इसको पकड़ो, अप्रोक्सीमेट आपको मिल जाएगा कि हाँ 1875 या 1870। ये आपको चेक करना पड़ेगा डोर है या विंडो, लग तो रहा है मुझे विंडो है, देख लेते हैं। नहीं ये स्लाइडिंग डोर है, वहां पे हम डोर रिप्लेस कर देंगे, विंडो एक देख लेते सबसे पहले। यहाँ पे एक विंडो है इस वॉल पे, ये वाला विंडो था। अभी आप सेक्शन को इसके साथ अलाइन भी कर सकते हो यहाँ से, थ्रू बाय थ्रू कर देते हैं इसको। ओके, इसका जो लेवल है वो नीचे है बिल्डिंग का, तो आपको थोड़ा लेवल चेक करना पड़ेगा ऊपर नीचे करके। ये विंडो है तो यहाँ पे हम विंडो प्लेस कर सकते हैं इससे, इसका साइजिंग वगैरह को हम अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं कितना इसका साइज होता है। ये डबल विंडो है, यहाँ से ऐसा विंडो है, अगर मैं आपको रिकैप में जाके दिखाऊं स्लो हो गया काफी।
ये वाला है वो विंडो। ये एक विंडो है, ये एक विंडो। तो अभी इस वाले विंडो का फैमिली तो आपको मिल जाएगा, तो आप अभी के लिए मैं सिर्फ एक नॉर्मल विंडो बना देता हूँ, और आपको कर्टन वॉल से कैसे विंडो बना देता है वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। अभी आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, हाइट भी इसका एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका यहाँ से यहाँ तक का 1760 विथ है, और हाइट है इसका यहाँ से इसके स्लॉट तक, उसको होगा 1300 हाइट, और विड्थ समथिंग। पहले आप लेवल 1 पे भी जा सकते हो, यहाँ से आप इसको प्लेस कर सकते हो। अगर आपको इसका बीच का देखना है कि हाइट वगैरह सही है, सेक्शन के थ्रू सेक्शन ले दो, वाइट क्लिप कम कर दो, यहाँ से चेक करो वायर फ्रेम कर देना। तो हाँ, ये इसका सील हाइट है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा इसीलिए, तो ये थोड़ा 6, ये परफेक्ट। इसका अगर आप ज़्यादा चेंज करो, कितना गैप है बीच में 15 mm, इज़ दैट एलिजिबल, 15 mm का आप ले सकते हो वेरिएशन। ये हो गया एक प्रोसेस कि कैसे हम विंडो बना सकते हैं। आप दूसरा एक और मेथड होता है कि हम कर्टन वॉल से कैसे, करके अभी मैं सिर्फ स्केच करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उस याद तक है, उसके अंदर आपका पैनल है, एक कटिंग ग्रिड मार दो। जस्ट अ मिनट, सॉरी देवेनिक, देवेनिक यू कैन जस्ट शेयर अगेन योर स्क्रीन, ऑफ हो गया स्क्रीन, नाउ इट्स विजिबल, ओके दैट्स गुड। देवेनिक यू कैन जस्ट सी सम सब स्टूडेंट्स आर हैंड रेज, ठीक है, तो उनके आंसर्स भी थोड़े से अगर ले लेंगे तो बेटर रहेगा, जैसे नितेश और कुछ लोग। ओके सर, ठीक है। कहाँ से सर ये आपने? यस, जैसे आप देखिए सुनील, नितेश, ये कुछ लोग हैंड रेस्ट किए हुए हैं, तो आप जब बोलेंगे तो ये लोग अपना माइक ऑन करके अपने डाउट्स पूछ लेंगे, अगर इनको कुछ डाउट है तो। ठीक है, ओके तो यहाँ से इसका साइज तो मैच हो गया कर्टन ग्रिड, क्योंकि बीच का जो ये पार्टीशन है उसे हम बना रहे हैं। ये भी एक मेथड है, लेकिन ये सिर्फ ड्राफ्टिंग में, जब आपका एलओडी का स्कोप 200 होता है, सिर्फ आपको कंसेप्ट के लिए चाहिए होता है, तब प्लान जला करते हैं कि यस वी कैन यूज कर्टन वॉल, बिकॉज कर्टन वॉल इज नॉट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ड्रॉइंग समथिंग और मेकिंग समथिंग। आप इसे डोर भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो अगर क्लाइंट आपको अलाउ करता है कि हाँ टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें एक एक चीज़ का फैमिली ढूंढना पड़ता है, या तो कभी कभी बनाना पड़ता है उस टाइप का, तो क्लाइंट अगर इतना फ्लेक्सिबल है कि हाँ आप अभी के लिए फैमिली ना बना के कर्टन वॉल डाल के दे, तो सबके लिए चाहिए, तो वेल एंड गुड, वो
वो डिपेंड करता है आपका जो भी कितना है स्कोप, कितना है, कितना ज्यादा उसको डिटेल चाहिए, और वो प्रोजेक्ट का फेस क्या है। अगर वो एग्जिस्टिंग फेस पे है तो आपको एज बिल्ट बनाना पड़ेगा। न्यू कंस्ट्रक्शन है तो आप एक बार, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। प्रॉपर मैंने इसको यहाँ से डाल दिया, फिर आप मुलियन का साइज भी चेंज कर सकते हो, करके इसके साथ मैच भी करा सकते हो। यहाँ से थिकनेस को आप उसको डुप्लीकेट करके कर सकते हो, या तो मैं अभी के लिए दिखाने के लिए आपको 50x50 करके करता हूँ, सब चेंज हो जाएगा साथ में, तो आपको डुप्लीकेट करके ही करना पड़ेगा। फ्रेम के लिए अभी शायद वो लोड नहीं है, 50mm का एक थिकनेस का पैनल आता है उसके अंदर, जो पैनल के अंदर। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको मैं बना के लोड करके रखूँगा आपके लिए। ओके, तो ये था अपना कैसे विंडो कैसे लगाते हैं उसका। अभी देखते हैं कि डोर सिंगल डोर कोई है क्या, छोटा सा डोर। हाँ यहाँ पर डोर है, तो सबसे पहले एक वायर ड्रॉ करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अभी जनरिक वायर से कौन, अभी के लिए इसका मैं ऐसे ही पकड़ता हूँ, बाद में चेंज कर लेना। मेरा अभी पर्पस है आपको डोर कैसे प्लेस करना है वो दिखाने का। ओके, डी आर शॉर्टकट डोर का पकड़ा, थिकनेस पे भी सेम आपको परफेक्ट ऑलमोस्ट। इसका थोड़ा है तो आप सेम इसका सेक्शन लेके, या तो उसका थिकनेस को आप चेंज करके राउंड ऑफ करके कर सकते हो। हाइट के लिए आप सेम यहाँ से सेक्शन एक लगा लेना, या तो बीच में से सेक्शन लेना है, जैसे कि विंडो के टाइम पे जैसा किया था, वायर फ्रेम करना, तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि हाँ फ्रेम यहाँ तक है इसका, जो मतलब डोर का फ्रेम यहाँ तक है, जैम यहाँ तक है, थिकनेस इतना है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बीच में सेक्शन लेके भी आप इसका हाइट वगैरह चेक कर सकते हो इसका, यहाँ तक वायर फ्रेम कर देना, आपको दिख जाएगा कि हाँ ये ऊपर जाएगा, हल्का से ऊपर आएगा यहाँ तक। ओके, सो आज के लिए इतना ही सेशन मैं रखना चाहूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा, कल होगा परसों होगा, मैं वो सर के साथ मतलब बोल कर डिस्कस कर क्या कोई ये कर दूंगा, तो तब तक आप अपने रिकैप में कैसे अपने पॉइंट क्लाउड फाइल को इम्पोर्ट करते हैं, देन अपने पॉइंट क्लाउड फाइल को रेविट पे कैसे इम्पोर्ट किया जाता है वो चीज़, फिर अपने को बुक्स वगैरह कैसे फर्स्ट असाइन करते हैं, देन आपका लेवल सेटअप कैसे करते हैं, और वॉल और डोर विंडो मेरे को लगा के दिखाना इसी प्रोजेक्ट का। जो चीज़ आपको समझ नहीं आता मेरे को आप नेक्स्ट क्लास में बोलना, लेकिन हाँ करके आना एटलीस्ट, मैं वही एक्सपेक्ट करूँगा। ओके, तो अभी किसी को अगर कोई क्वेरी वगैरह है सो आप पूछ सकते हो। सर वो हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? वो डी रूट्स का एक आता है, डी रूट्स का शॉर्टकट है वो। अगर आपको मैन्युअली करना होगा तो वीवी से पॉइंट लॉक, अगर आपको यहाँ से करना है डी रूट का एक सॉफ्टवेयर आता है डी रूट का प्लगइन का, उसका शो हाइड एक ऑप्शन आता है जो कि पॉइंट क्लाउड को ही हाइड और शो पर करने का काम आता है। वो मैंने असाइन किया हुआ है कि वो शॉर्टकट के अंदर जाके शो हाइड के अंदर, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा अच्छे से, जब मैं प्लगइन पे जाऊंगा कि किस किस सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। और कोई डाउट है क्वेरी हो किसी का तो मेरे को आस्क। सर लेवल्स कैसे बनाए आपने सर? लाइक क्या आवाज नहीं आ रही? सर लेवल्स कैसे बनाए आपने? लेवल्स, लेवल तो पहले से असाइन रहता है ना हमारे टेम्पलेट के अंदर, तो लेवल 1 लेवल 2 मैंने सिर्फ उसको अप डाउन कर दिया। सर तो वो अप मेरा डाउन, बाप सर वो अप डाउन का ही सीन देखना था सर कैसे यस बने। अप डाउन, एक सेकेंड। और लेवल 2 लेवल जब आप चेंज करोगे ना, ये तो सिर्फ एक ही इसका लेवल है, सिर्फ मतलब ग्राउंड फ्लोर ही है। जब मल्टीपल लेवल्स होंगे तो उसको भी आपको राउंड ऑफ ही करना होगा। कहीं पर अगर 1537 आया, 1538 आया, उसको 1540 या 35 कर देना,
ये हमारा लेवल है, ये स्टार्टिंग में सब बोल कि हमारा लेवल है, स्टार्टिंग पे ये ऐसा था। ठीक है, सेक्शन लिया प्रोजेक्ट के बीचों बीच से कहीं से भी, जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम जो भी फ्लोर वगैरह जो भी है वो सब मेरे को दिखाई दे, उसके बीच में मैंने सेक्शन लिया है कि ये मेरे को दिख गया कि हाँ ये मेरा ग्राउंड फ्लोर लेवल है। उसको पकड़ा, शिफ्ट मूव अप, ओके, यहाँ पे प्लेस कर दिया। और आप इसको सिक्योर करना चाहते हो, राइट साइड में लॉक कर देना है इसको, यही लगेगा। और इसके ऊपर भी लेवल होंगे, सपोज मेरा नेक्स्ट जो लेवल है वो यहाँ पे आता, सपोज तुम्हारा लेवल 2 यहाँ पे होता। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये दोनों के बीच में ऐसे 4365 नहीं आना चाहिए, या तो उसको 4360 कर दो या तो 4370, क्योंकि 10-15 mm का जो डिस्टेंस होता है वो नेगेजिबल होता है। स्कैन में कभी एरर भी आ जाता है, वो हमारा हमारा जो ड्राफ्टिंग एरर है वो भी होता है, तो नेग्लिजिबल है, राउंड ऑफ कर देना उसे। ठीक है, और कोई डाउट? सर ये व्यू डेप्थ इन व्यू रेंज बता देना एक बार, एक्सप्लेन कर देना। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रहा है। व्यू व्यू डेप्थ इन व्यू रेंज उसको अच्छा, एक्सप्लेन व्यू कर डेप्थ इन देना। व्यू रेंज का, ओके। और व्यू सर डेप्थ ये जो आपने जब रोटेट करा था पूरे स्कोप बॉक्स को, आरटीएस, हाँ, स्कोप बॉक्स, तो रेफरेंस प्लेन लिया था ना आपने, कौन सा लाइन लिया था वो, डिटेल लाइन कौन सा? वो आप कोई सब डिटेल लाइन भी लोगे जो मतलब तो चलेगा, वो रेफरेंस लाइन अगर नहीं चाहिए, सिर्फ अगर आपको पकड़ने के लिए कुछ चाहिए होता है वो आपका डिटेल लाइन भी ले सकते हो, मॉडल लाइन भी ले जो सकते हो, डजन नॉट। आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर टैब में है ना। हाँ हाँ वही वही डीएल करने से जो आता है लाइन आपका वही बता, डीएल ओके का, ओके, ठीक एक है। बार ये व्यू डेप्थ एक्सप्लेन कर देंगे सर। हाँ, तो व्यू डेप्थ क्या होता है, सपोज मान के चलो कि सपोज ये तुम्हारा एक पोर्शन है स्कैन का, ठीक है, तुम्हारा स्कैन का एक पोर्शन है, ये तुम्हारा टॉप है, ये तुम्हारा व्यू डेप्थ है, ये तुम्हारा कट प्लेन है, ये तुम्हारा बॉटम है। हमें देखना होगा यहाँ से यहाँ तक ही हमें खेलना है, तो हमें जो भी ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कुछ भी करेंगे वो हम यहाँ से यहाँ तक ही देखेंगे, इसको नीचे ऊपर करेंगे ये करेंगे। व्यू डेप्थ क्या है, व्यू डेप्थ हो गया इसका लिमिटर कि ये जो व्यू डेप्थ है वो इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो इसका लिमिट है। अगर मैं व्यू डेप्थ को जब इससे नीचे करूंगा तब ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए हमारे जो अपने कट प्लेन को या बॉटम का, बॉटम को। और ये हो गया कट प्लेन, कट प्लेन हमारे टॉप को एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो टॉप है वो कट प्लेन से ज्यादा होना चाहिए सिंपल में, और व्यू डेप्थ जो है वो सबसे नीचे होना चाहिए, उसका सबसे नीचे होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं उसको -1000 -2500 भी कर दूंगा तो ये नीचे होगा, और ये तब इस यहाँ तक जा सकता है, इसका जो बॉटम है हम अगर इसको 2499 भी करेंगे तो भी ये जाएगा, 2500 करेंगे शायद तब भी जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं जाएगा, 2501 करेंगे वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका लिमिट है वो वहाँ तक, वो उतना नीचे जा सकता है, नहीं जाएगा, ठीक है। सर ये व्यू डेप्थ का स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब कहाँ पे रखना चाहिए उसे, जैसे आपने बताया। स्टैंडर्ड वो होता है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रखना होता है। अगर आपको अगर कभी लगे कि हाँ उसका कोई ऐसा कोई नहीं रहता कि अगर आप लेवल टू लेवल देख रहे हो, जैसे कि अभी तो यहाँ पे एक ही लेवल है, यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं, तो आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पे वो सेम ही दिखेगा। लेकिन जहाँ पे आपका मल्टीपल लेवल्स है, जैसे कि यहाँ पर एक लेवल है, तो आपका जो व्यू डेप्थ होना चाहिए वो लेवल टू लेवल ही होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको उसके नीचे के लेवल की चीजें दिखेंगी जो आपका स्कोप में नहीं है, वो नीचे में, तो आपको उसी लेवल तक ही रखना पड़ेगा जिसके नीचे लेवल है। यहाँ पे तो इसके नीचे कुछ है नहीं, सॉलिड है, पूरा मिट्टी है, ग्राउंड है, लेकिन जहाँ पे अगर यहाँ पे लेवल एक और होता तो मेरा जो व्यू डेप्थ होगा वो यहाँ पे होगा, इसके नीचे जाएगा तो मुझे इसके नीचे के व्यू दिखेंगे, यहाँ पे होना चाहिए, तभी मेरा जो बॉटम है
वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, टॉप भी उस लेवल तक ही होगा, लेवल टू लेवल होगा ये, और इसके अंदर ही हमें खेलना होता है। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक डाउट था कि जो ये हमें प्रोसेस डेटा है, ये कम क्लाइंट हमें देगा? हाँ, या क्लाइंट देगा, प्रोसेस करता क्लाइंट, क्लाइंट क्लाइंट मैक्सिमम स्कैन स्कैन डेटा वगैरह जो भी होगा सब कुछ हमें क्लाइंट देगा, हमें सिर्फ इंपोर्ट करना है और काम स्टार्ट करना है। मैक्सिमम 80% टाइम में ऐसा ही होता है। एक और था कि ये तो हमने सारा काम रेविट में किया है, तो ये रिकैप रिकैप में अपन ने सिर्फ इसका एक कंसेप्ट लिया कि देखा है कि वो मॉडल दिखने में कैसा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मिरर बॉल वगैरह जो भी है वो तो हमारे पास इतना ज्यादा अच्छा इसका व्यू नहीं है, लेकिन अगर आप रिकैप में जाओगे आपको उसका पूरा विजुअलाइज होगा, 360 आपको दिखेगा पूरा। मान के चलो कि जो रिकैप है वो आपका एक, आपने कोई ऐसा एक कुछ एक चीज बनाया, अपने एक गेम बनाया, कुछ बनाया, ऑब्जेक्ट वीडियो कुछ बनाया, आपको पता है क्या, लेकिन आपको कुछ वीडियो प्लेयर भी तो चाहिए ना सामने वाले बंदे को दिखाने के लिए कि हाँ मेरा ये रियल लाइफ में दिखने में ऐसा होता है, वो वीडियो प्लेयर है रिकैप। ओके। और सर जैसे ये जो स्कैनर है इसका कोई फोटो वगैरह ऐसा है कि कैसा क्या होता है देख सकते हैं इसका? बड़े वाले स्कैनर इस टाइप के स्कैनर होते हैं, बड़े बड़े स्कैनर्स होते हैं जो ऐसा टाइप के स्कैनर, बिल्डिंग के हर पार्ट को हमें स्कैन करना होता है? हाँ हाँ, हर एक पार्ट को जहां पे हमें चाहिए होता है। सपोज हमारे पास तीन रूम का एक पूरा ऐसा बिल्डिंग है, हमें सिर्फ दो रूम को चाहिए, तो हम इस दो रूम के अंदर जगह अलग अलग लोकेशन में जाके स्कैन करेंगे, और स्कैन का जहाँ पे हिट करेगा जाके वहाँ का स्कैन लेगा, तो हमें पूरा 360 व्यू है देगा जहाँ पे प्लेस है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें एक रूम के अंदर स्कैन चाहिए तो चार पांच लोकेशन पे बैठा के हमें पूरा स्कैन का, पूरा रूम का स्कैन निकल जाएगा वहाँ से। ओके सर। सर जैसे ये, हेलो, हाँ जी सर, जैसे ये व्यू डेप्थ ली थी ये टॉप प्लान सर, वो एमएम में था? हाँ एमएम में था। हाँ सर, वो सर फिट एंड इंचेस में भी ले सकते हैं सर? हाँ, अब वो डिपेंड करेगा आपके टेम्पलेट के ऊपर। अगर आपका टेम्पलेट इम्पीरियल है तो इम्पीरियल के अकॉर्डिंग लोगे आप, अगर आपका मेट्रिक है तो मेट्रिक के अकॉर्डिंग लोगे आप। जहाँ पे मैंने 1200 लिया आप वहाँ ले लेना, बेनिफिट ले लेना, सिर्फ अपना यूनिट का ही डिफरेंस है। सर ये रिकैप का वर्जन सेम रखना है रेविट के साथ? नहीं नहीं, हाईर वर्जन भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसका। रिकैप का जब आप इम्पोर्ट करोगे उसका इम्पोर्ट के साथ आपका वर्जन का कोई दिक्कत नहीं है। रिकैप अलग सॉफ्टवेयर है और रेविट अलग सॉफ्टवेयर है, और जो स्कैन आता है स्कैन का ऐसा नहीं है कि हमारा स्कैन हुआ है, स्कैन का ऐसा कोई वर्जन होता ही नहीं, वो हर एक सॉफ्टवेयर में खुलता है। और आप रिकैप के 2019 में भी खोलोगे तो भी आपका ये वाला स्कैन खुलेगा, 25 में खोलोगे तो भी ये वाला स्कैन खुलेगा, उसके साथ कोई लिंक नहीं है उसका। सर मैंने इंस्टॉल किया था रिकैप पर ओपन नहीं हो रहा था, वो प्रो वर्जन मांग रहा था, फिर मैं उसको अनइंस्टॉल करके सोच रहा फिर से इंस्टॉल करूँ, बट अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है। वो आप एक बार सर से बात कर लेना, क्योंकि आपको सर को पता होगा कि सेटिंग वगैरह क्या है, मुझे तो आपके पीसी का एक्चुअली आइडिया नहीं हो रहा ना, तो मैं बोल नहीं सकता उस बारे में कुछ। वो आप सर से एक बार बात कर लेना। हेलो सर, एक चीज, हाँ सर मैं कहना चाह रहा था सर, ये पुरानी से जो भी बिल्डिंग है उनमें काम करता है ना सर? पुराना हो गया, हाँ बेसिकली जो स्कैंडोबिम का पर्पस होता है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में होता है, डेमोलिश बिल्डिंग टूट गया होगा कोई बिल्डिंग को मतलब इनोवेशन करना होता है, रिकंस्ट्रक्शन करना होता है तभी होता है, या तो पुराने बिल्डिंग को अगर उसका एक डुप्लीकेट स्कैन बनाना होता है, मॉडल बनाना होता है, या हमें कोई ऐसा बड़ा एक बिल्डिंग अपने पास है हम चाहते हैं कि उसका प्रॉपर स्कैन निकाले ताकि जब हम उसको मेंटेन करें हमें पता चले कि हाँ यहाँ पे कौन सा सर्विस कहाँ पे है,
उस चीज के लिए हम स्कैन भी कर सकते नई बिल्डिंग में कोई पर्पस नहीं है। नई बिल्डिंग में कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक एग्जांपल दो, कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग है उसके अंदर एचवीएसी के भी यूनिट होते हैं, पाइपिंग के भी यूनिट होते हैं, आर्किटेक्चर के होते हैं, स्ट्रक्चर के होते हैं, हर एक एक डिसिप्लिन का, फायर फाइटिंग के हर एक डिसिप्लिन का होता है वहाँ पे। अगर हम उसका स्कैन निकालेंगे, उसका मॉडल प्रॉपर क्रिएट करेंगे, एचवीएसी का, डक्टिंग का, सब सब कुछ का, जब इनोवेशन का, मेंटेनेंस का काम, बोल सकते हैं कि हाँ ये उस बिल्डिंग का मॉडल है, इस फ्लोर में, इस कोने में 3 पाइप है, उनको सबसे पहले इनोवेशन करो, तो वो यूज कर सकते हैं उसको। सर इसमें कितनी लेवल ऑफ एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है क्लाइंट को? एक्सपेक्टेड इज एक्चुअली डिपेंड ऑन योर स्कैन क्वालिटी। द स्कैन क्वालिटी इज एग्जैक्ट और एज बिल्ड, देन यू कैन एश्योरेंस अराउंड 80 to 85% ऑफ स्कैनिंग एक्यूरेसी। अच्छा, और डायमेंशंस में? डायमेंशन में आपको राउंड ऑफ ही करना होता है, जैसे कि अभी आपको दिखाया था कि स्कैनिंग में क्या होता है कि ट्रिपल टेंट, जैसे कि यहाँ पे प्लास्टर वगैरह है, तो प्लास्टर वगैरह का तो क्या होता है, हर जगह पे वो सेम नहीं होता है, कहीं से बाहर थोड़ा निकला होता है, कहीं से थोड़ा फ्लैट होता है, कहीं से, जैसे कि यहाँ पे देखो जो ये यहाँ का या सीधा गया, थोड़ा टेढ़ा हुआ, कर्व हो गया, वो अपना कंस्ट्रक्शन का एरर रहता है, तो वो स्कैन क्या करता है, स्कैन को जो दिखता है वही डाल देता है, सीधा होते रहो वो स्कैन का मैटर नहीं है। तो हमें हमारे अजम्पशन से देखना पड़ता है कि हाँ ग्रेड स्टार्टिंग से 100 है, बीच में भी 100 ही होगा, लास्ट में भी 100 होगा, प्लास्टर शायद टूट गया होगा, कुछ हो गया होगा, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक्यूरेसी आपको 80-85% ही मिलता है, 100% में कह सकता हूँ, लेकिन वो स्कैन में बहुत टाइम पे एरर आ जाए, जैसे कि एक आया था अंदर का ट्रस जो है बाहर दिख रहा था, तो वो स्कैन में किसी भी एक स्कैन फाइल में दिक्कत हो जाता है, आरसीएस फाइल में, तो वो पूरे स्कैन में जाकर रिफ्लेक्ट होता है, उसको बाद में रिमूव कर सकते हैं रजिस्टर पर जाकर। सर ऐसा कोई दिक्कत आया स्कैन फाइल में तो क्लाइंट दोबारा भेजता है करेक्ट करके या फिर उसमें हमको नहीं? तो आप क्लाइंट से या अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो मैनेजर से आप डिस्कस कर सकते हो कि सर स्कैन में इशू है, स्कैन में एरर है, स्कैन या तो डुप्लीकेट हो गया है, स्कैन डेटा मिसिंग है, आप वो फर्दर उसका इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, स्कैन टू बीम में फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग रहती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक्सपीरियंस वालों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखो, मैं जब स्टार्टिंग पे आया था मेरा भी तो एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो मैंने सिर्फ बेसिक थोड़ा स्कैन टू बीम सीखा था, तो मुझे स्टार्टिंग में उससे मिल गया। कंपनी क्या चाहती है कि आपको रिकैप सॉफ्टवेयर के उसको पता है कि अगर आपको स्कैन और रेविट फाइल दे दिया तो आप 4 वाल 3 बिल्डिंग ड्रॉ कर सकते हो, 3 फ्लोर ड्रॉ कर सकते हो, कंपनी वो देखेंगे। आप कंपनी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप फेब्रिकेशन पे चले जाओ, आप ये बोलो कि आप इंसुलेशन है कि नहीं, नहीं तो बहुत बात की बात है। या स्टार्टिंग में आपको नहीं बोलेंगे कि आप टेम्पलेट सेट करो, आप प्रोजेक्ट को सेट करो, नहीं बोलेंगे, वो देखेंगे कि आपको 3 वॉल बनाना, 2 डोर 2 विंडो बनाना आता है कि नहीं, वो कंसेप्ट आता है कि नहीं, कंसेप्ट समझ आता है कि नहीं, कंसेप्ट आता है यू आर गुड टू। सो बेसिकली सर कंपनी इज गिविंग ट्रेनिंग ऑन दिस। सॉरी योर साउंड इज अ बिट डिस्टर्बिंग, कैन यू प्लीज रिपीट? हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हेलो, यस यस, हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस यस। मतलब कंपनी हमें ट्रेनिंग देगी क्या अगर हमें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा स्कैन टू बीम का? देंगे ना, अगर आपको अगर बेसिक नॉलेज अगर आपको आता है स्कैन टू बीम के बारे में, कंपनी आपको डेफिनेटली ट्रेनिंग देंगे। लेकिन अगर आप पूरा जीरो लेके जाओगे कि नहीं सर मैं, मुझे कभी पता नहीं स्कैन टू बीम के, बहुत सी कंपनी स्टार्टअप कंपनी जो होती है वो आपको एक बार ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर वो लोग देखेंगे कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, इस कैंटो बीम में आपको थोड़ा कैंटो बीम से ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होता है सॉफ्टवेयर टेक्निकल बेस्ड में, ऐसा नहीं है कि आपको एक मतलब रेविट आ गया तो स्कैंटो बीम आ गया, ऐसा चीज नहीं है। आपको स्कैंटो बीम के लिए थोड़ा ज्यादा आपको देखना पड़ेगा, बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स है उसके अंदर जो मैं फ्यूचर में जब क्लास लूंगा आपको धीरे धीरे, मैं आर्किटेक्चर का तो अभी मैं करूंगा, स्ट्रक्चर का भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा, और MEP में मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंट डोमेन पे, फायर फाइटिंग पे, कंड्यूट में, आपका जो भी बेसिक होता है कि मैं ट्राई करूंगा कि अगर आप किसी कंपनी में जहाँ पे अगर MEP HVAC का भी अगर वैकेंसी हो, MEP हो गया, पाइपिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आप वहाँ पे भी जाके एटलीस्ट कुछ दिखा सको उनको, वो मैं ट्राई करूंगा।
ओके सर, जो ब्लूप्रिंट होता है उससे भी कर सकते हैं ना अपन सॉरी सर, जो ब्लूप्रिंट होता है ना, गवर्नमेंट के ब्लूप्रिंट होते हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जो ब्लूप्रिंट होते हैं, ब्लूप्रिंट होते हैं सर, हाँ ब्लूप्रिंट सर, उससे भी कर सकते हैं अपन, उसको भी स्कैन स्कैन कर करेंगे। सकते नहीं 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 वो आपका फोटो ज्योमेट्री हो गया, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वो उसको स्कैन नहीं कर सकते। स्कैन करने के लिए तो आपके पास 3D एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। स्कैन आपका मतलब ब्लूप्रिंट से तो आप रियल लाइफ में नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको सामने वो ऑब्जेक्ट को खड़ा करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी इंसान का किसी ऑब्जेक्ट का स्कैन निकालना पड़ेगा, मैं उसके फोटो से उसका पूरा 3D व्यू नहीं निकाल सकता, मैं तो गाइस उस इंसान को सामने रख के निकालना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट है, पहले सर को टॉपिक फिनिश करने दे, उसके बाद आपके जितने डाउट रहेंगे ना, यू कैन बी फिनिश देन यू कैन जस्ट कंप्लीट योर टॉपिक, उसके बाद जितने डाउट है ना एक साथ फिनिश कर दीजिएगा। नहीं सर ठीक है, तो आज के लिए तो सर मैंने टॉपिक जितना भी अच्छा था टॉपिक क्लोज हो कर गया क्या? लिया। ओके हाँ, तब पूछ हाँ लेते हैं सर, डाउट्स गाइस, जो भी पूछना हो पूछ लीजिए डाउट्स। और सर इनको एक दिन का समय दे दिया जाए या फिर कल अवेलेबल है देवेनिक? सर मैं तो कल अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं फाइल तो अब मैं आपको मतलब कि दे हाँ दूंगा, मैंने आपको शायद ये वाला फाइल पहले दिया भी है, यस ब्लैक सर यस, का जो फाइल है, तो शायद तो वही फाइल आप, वो दूसरा प्रोजेक्ट था वाला फायर, दूसरा नहीं मैंने प्रोजेक्ट शायद आपको स्टार्टिंग में आपको बैक सेल दिया था, मैं आपको वापस भेज दूंगा। मे और बी मैं एटलीस्ट ये चाहूंगा कि इम्पोर्ट के टाइम पे कल एटलीस्ट कोई मुझे ये ना बोले कि इम्पोर्ट कैसे होता है। तो अभी आप मैं अगर आप किसी का दिक्कत है मैं दोबारा दिखा दूंगा, लेकिन इम्पोर्ट करके एटलीस्ट मुझे कल एटलीस्ट कुछ बना के दिखा। गैस, एक दिन का ठीक समय ले लीजिए आप लोग। कल सर आपको समय दे दे रहे हैं, परसों और नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे स्कैन टू बीम की, तो आप लोग एक बार अपना प्रैक्टिस करके, अगर किसी के पास भी इस समय रिकैप खुला है तो स्क्रीन शेयर करके चाहे तो आप देख सकते हैं। कोई देखना चाहेगा क्या? किसी ने किसी के लैपटॉप से कोई लॉगिन है क्या? अगर आपके पास कोई सा भी अगर हाँ सर, लैपटॉप से लॉग इन है। तो रिकैप है, रिकैप है हाँ सर, आपके? रिकेप हाँ सर है। ओके ठीक है, विशाल आप अपना स्क्रीन शेयर करके एक बार देख लीजिए, एक बार आप कर देंगे ना तो फिर सब सभी को क्लियर रहेगा, सर आपको हेल्प कर देंगे। लेकिन आपके पास स्कैन टू बीम की कोई फाइल है क्या विशाल? नहीं है सर, नहीं तब आप नहीं। मेल हिमांशु आपके पास है करना क्या? होगा तो मेरे पास तो पास है। लास्ट एक बार लास्ट एग्जिस्टिंग क्लास में जो हमने किया था वहाँ पे कोई हाँ, स्टूडेंट है क्या? हिमांशु है क्या आपके पास? सर हाँ इस अतुल आपके पास है, लेकिन अतुल आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, रैबिट सॉफ्टवेयर चल रहा है? चल रहा ओके ठीक है, हाँ अतुल है, इनके पास फाइल भी है। अतुल आप अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए सबको एक बार। सर हाँ गैस, सभी लोग देख लीजिए कैसे इंपोर्ट करना है, सो दैट यू कैन डू द प्रैक्टिस इजली। संजय यू कैन ऑफ योर कैमरा। दिबेनिक आई थिंक यू नीड टू ऑफ योर स्क्रीन, एक्सेलेंस देन ओनली ही कैन बी शेयर। यस अतुल, नाउ यू कैन शेयर। और गाइस कल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि परसों सर से आप जितने डाउट्स रहे उन डाउट्स पे क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो आपको कैसे है कि फिर आगे सर अगर आप जो लोग चाहेंगे तो सर का बहुत अच्छा है, सर ने MEP पे भी काम किया है, स्ट्रक्चर पे भी किया है, आर्किटेक्चर पे भी किया है, तीनों ही डिसिप्लिन आपको क्लियर कर देंगे अगर आप चाहेंगे तो स्कैन टू बीम। अब वो डिपेंड करेगा आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हो। अतुल अभी लैपटॉप से लॉगिन आ रहे हो क्या? हिमांशु है क्या यहाँ पर? हेलो सर, सॉरी स्क्रीन। हाँ हेलो। यस यस परफेक्ट, सो हो रहा है नाउ, ही इज गोइंग टू गाइड यू, देवेनी यू कैन गाइड फॉर दी। ठीक है, सबसे पहले काम करो तो आप रिकेप का जो फाइल है वो ओपन करो तो एक बार रिकेप में। ओपन करना इनका क्या फुल स्क्रीन है हो ये। गया मैंने? हाँ यहाँ पे हाँ, आपके पास जो भी मतलब प्रोजेक्ट है उसको ओपन करो आप, प्रोजेक्ट है इसका। हाँ ये तो सैंपल प्रोजेक्ट सबके पास ही है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, सैंपल प्रोजेक्ट है ये। लेकिन आप ये वाले प्रोजेक्ट को आई गेस आप रेविट पे इंपोर्ट नहीं कर सकते, फाइल आपके
आपके पास है क्या कोई फाइल दूसरा? यस सर, है सर, है। ठीक है, कौन सा करें इसमें? ये देखो, ये जितने भी तुम्हारे फाइल्स हैं ना, मतलब मल्टीपल फाइल्स जो है ना, ये सभी तुम्हारे स्कैन लोकेशन है जो मैंने बताया था, आरसीएस फाइल। अभी लॉन्च प्रोजेक्ट करो, लॉन्च प्रोजेक्ट नीचे नीचे देखो, लॉन्च प्रोजेक्ट है, लॉन्च प्रोजेक्ट करो। अच्छा, जब तुमने इसको ओपन किया था तब तुमने क्या इसको कुछ मतलब कि फोल्डर से रिमूव किया था क्या इसे, या फोल्डर के अंदर ही रखा था? सर फोल्डर के अंदर ही रखे थे सर। एक बार मेजर काम फाइल दिखा दो, बाहर बाहर से मेजर फाइल दिखा दो। एक काम करो, तो वो पाथ में जाओ तो एक बार, जहाँ पे तुमने फाइल रखा था। नहीं, जो फाइल से वो बाहर होने चाहिए। तो यहाँ से मिसिंग हो गया फाइल। यस, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर तुम्हारा सपोर्ट में सभी आरसीएस फाइल होने चाहिए और बाहर अपना आरसीपी होना चाहिए फाइल। देखो इसका जीप फाइल होगा, सर्च करो इसका जीप फाइल भी दिया था। 39 करके ऊपर सर्च करो, 39। वही इशू होता है सर मैक्सिमम, क्योंकि जब हम इसको रखते हैं ना, ये 39, ये इसका सपोर्ट फाइल है सर। नहीं, सपोर्ट नहीं है, इसके साथ ही तुम्हारा पूरा एक जिप फाइल आता है। मैं सर को दिया था उस फाइल के अंदर, मैंने इन लोगों को दिया था, इन लोगों ने रखा होगा, बट एज हो रहा है ना, करप्ट हुआ है, मे बी ये रीजन हो सकता है। एक सेकंड, मैं मेरा स्क्रीन शेयर मतलब करके आपको दिखा दूं कि वो फाइल कैसा दिखना चाहिए। अतुल, यू कैन ऑफ योर स्क्रीन, ही इज गोइंग टू शेयर फ्रॉम स्टार्ट। ओके सर, सभी लोग देख लीजिए है ना, चस्टून है ना, ठीक है। अभी स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस यस, ओके। 39 जो था था, मुझे लगता है यही वाला ही भी दिखा देना सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, ठीक है, या तो रिकैप में ई न्यू फोल्डर, ओके। वो एक रहता है कि अगर आप, मैंने का जो पहले इंपोर्ट किया हुआ रहता है उसका पाथ यहाँ से मिल जाता है, रीसेंट वाला। हाँ, रीसेंट वाला में जाके मिल जाता है वो। मैं गया न्यू फोल्डर 39, ठीक है। ये देखो, जब आप इसको खोलोगे ना, इसके अंदर से ये आपका फाइल है, इसके अंदर जाओगे, ये वाला फाइल होगा। यहाँ पे सपोर्ट में आपको आपका जो आरसीएस फाइल है वो होगा, और ये आरसीएस फाइल, आरसीपी फाइल होगा, ऐसा आना चाहिए आपको। ये सपोर्ट के अंदर आपके जितने भी आरसीएस फाइल होने चाहिए, आरसीसी फॉर्मेट में, एलआईटी फॉर्मेट, डिफरेंशिएटर, सभी इसके पाथ या जो भी इसके साथ में आते हैं वो है, और इसके बाहर इसका एक पूरा स्टिचिंग फाइल होना चाहिए। और मैं इसको अभी ओपन करूंगा, ऐसा आएगा वो फाइल, जज टोम का जो फाइल है, थोड़ा मैं टाइम लगेगा लेकिन तभी जगह खुलेगा। ये आपका अभी का जो फाइल था, तो वहां पे क्या था कि आपका जो सब था वो मतलब डिलीट हो गया, सिर्फ आपका ये वाला फाइल बचा था, टेम्पररी कैश फाइल, वो भी अंदर से फाइल थे सर, सॉफ्टवेयर चले गए। वही होगा, या तो जब आपने इसका एक्सट्रैक्ट किया होगा शायद, या तो वो मिसमैच हो गया होगा, या आपके पीसी पे कहीं और सेव होगा आपको, या तो डिफरेंट पाथ में होगा, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है
अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिनको चाहिए कि ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टार्टिंग में सपोर्ट, फिर आपका ये स्कैन फाइल होना चाहिए, सपोर्ट के अंदर ये सभी फाइल होना चाहिए। सर ये आरसीएस फाइल से आरसीपी फाइल नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या? आरसी जो अपना आरसीपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आरसीएस फाइल ही कन्वर्ट करते हैं हम, जब उसको मल्टीपल जो आरसीएस फाइल है उनको जब साथ में स्टिच करते हैं तो वो आरसीएस ही बन जाते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली करेक्ट वर्जन में वो करना चाहूंगा तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, हैंग होगा बार बार। ये रिकैप में ही होता है? हाँ रिकैप में ही होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पता है क्रैश होगा मुझे, मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको, मत करो बहुत हैंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है तो मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ मैं, जैसे कि ये आपका फाइल है, इसके अंदर सभी आपका क्या वो ऐसी जो मतलब कि एस फाइल है, मैंने सपोज 1 2 3 4 5 6 फाइल, ठीक साथ में पकड़ा 1 2 3, मैं तीनों को साथ में कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने सपोज बाहर ही एक फोल्डर बना दिया मैंने यहाँ पे, इसका न्यू फोल्डर बना दिया एक 01 का नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने अभी वो तीनों फाइल को रख दिया, उसके साथ में आपको ये जितने भी कैश फाइल है वो सब चाहिए होगा वो आप बाद में कर सकते हैं, मैं अभी बस आपको स्टेप दिखा रहा हूँ। सब आपको कॉपी कर लिया मैंने, ये कैप में गया, सिलेक्ट ही यहाँ पे आप मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर चाहो तो 01 का फाइल है ये, तो मैं इसको पकड़ के एक डाला, इसको पकड़ के दूसरा फाइल डाल दिया, आ गया। अभी मैं यहाँ से लॉन्च करूंगा ना, मेरे को सिर्फ दो ही स्कैन दिखेंगे। अभी अभी अगर मैं इसको कंट्रोल एस किया या सेव करने जाऊंगा, सेव करने जाऊंगा आरसीपी फाइल में कन्वर्ट हो गए। मैं अगर उसको गया उधर यहाँ पे गया, नाम दे दिया न्यू आरसीपी फाइल, ठीक है एंटर, फाइल नॉट फाउंड, ओके ओके ओके, नेम टू एक्सपोर्ट 01 01, ओके सेव हुआ क्या है, नहीं हुआ तो ये इसको सेव को इस वर्जन में हैंग हो गया वापस। कोई बात नहीं, वो तो स्टेप वही है, उसी को इनबिल्ट एड्स को ऐड करना है, ऐड करके लॉन्च कर देना है, राइट? तो लॉन्च कर दोगे सेव हो जाएगा। यस इकन ऑफ, इसको मुझे पता तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप सबको इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए सर से। यस अरुण, ठीक है सर, अभी आपको ये वाली फाइल देंगे, वैसे मेरे पास भी है बट सर अभी आपको शेयर कर देंगे तो मुझे याद रहेगा कहाँ है। तो गैस उस फाइल को डायरेक्ट आपको शेयर इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट करके कल तक में प्रैक्टिस कर लीजिए, परसों दिवैनिक करें नेक्स्ट क्लास, फिक्स रखिए। ठीक है सर, हम चाहते हैं कि ना इनको पूरा डेप्थ नॉलेज हो जाए, जिससे कि इंटरव्यू जाए तो कहीं से भी इनका लॉस नहीं होना चाहिए, है ना? तो अभी अपना तो टारगेट बहुत अच्छा है, अब इसमें डिपेंड करेगा कि लोग प्रैक्टिस कितना करेंगे। ठीक है, अपना तो ये लंबा है क्योंकि या तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपको एकदम टाइट काम करना है तो आप कल भी ले सकते हो क्लास। हाँ कल भी ले सकते हो, आप लोग बताइए कल रखें या परसों रखें, कमेंट करिए फटाफट। कल परसों, ठीक है, लेकिन परसों ही रखना पड़ेगा, मुझे मैंने मुझे पता है कल इन लोग को प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, कई लोग का इंस्टॉल नहीं हुआ है ना, मैंने पहले बोला था बट कई लोग ने किया नहीं है,
परसों नेक्स्ट क्लास करते हैं। थैंक यू देवेनिक, आपने समय दिया इसके लिए एंड इतना अच्छा नॉलेज दिया इसके लिए, थैंक यू। आप लोग भी थैंक यू बोलिए भाई, ठीक है? आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके गाइस, सो सी यू ऑन मंडे, ठीक है? आप लेफ्ट कर सकते हैं क्लासेस। ओके चलिए, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया सर। मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी प्लीज पूछिए सर। वो अगर स्टूडेंट का आईडी से अगर रेविट इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग प्लगइन्स यूज कर सकते हैं क्या उसमें? हाँ, कर सकते हैं ना। तो आपके लिए तो वो अच्छा हो गया, आपको तभी क्रैक भी नहीं चाहिए वो। हाँ, काम करे कर सकते हैं। डाउनलोड करोगे रेविट तो आप कर दूं तो अच्छा रहे। मत करवाओ सर, इनस्केप नहीं यूज कर पाए। नहीं नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2024-25 करेगा तो नहीं होगा। 22 के पहले वर्जन में इनस्केप चलता है, 22 के आगे करेंगे तो नहीं चलेगा। और अभी 25 इतना स्टेबल भी नहीं है कि सभी आप लोग यूज कर पाओगे। नहीं नहीं आपका मॉक होगा तो परसों सर की क्लास होगी। यू कैन डू द प्रैक्टिस। ओके गुड नाइट गाइस, यू कैन लेफ्ट योर मीटिंग स्पेस।